The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. It's okay. You're only human. There's some things you can do, some things you can't. Forty % से ज़्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले वो कुछ और करे क्या? बुराई में ताकत जितनी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृपया अपनी गुस्से की पेटी बांध लीजिए। मैं वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? मुझे छोड़ दो, तेरी बात सुनो। मैंने एक शक्ति वाले आदमी को देखा है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। It's okay. You're only human. There's some things you can do, some things you can't. क्रिस 4 की कहानी क्या है और क्रिस 4 में सिद्धार्थ आनंद को क्यों लिया गया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। ऋतिक रोशन स्टारर क्रिस 4 को लेकर नया अपडेट आया है। राकेश रोशन ने 2016 में ही ये अनाउंस कर दी थी। ये भी बताया गया था कि पिक्चर 2018 में रिलीज होगी, मगर इस प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ क्योंकि फिल्म की लिखाई चल रही थी। प्रोसेस बड़ा फैल गया था। अब बताया जा रहा है कि फिल्म का बेसिक प्लॉट लॉक हो चुका है। डायरेक्टर चुने गए हैं करण मल्होत्रा, प्लस इस फिल्म को राकेश रोशन की कंपनी के साथ सिद्धार्थ आनंद मिलकर प्रोड्यूस करेंगे।
फिर भी क्रिस फोर 2025 से पहले किसी हालत में रिलीज होती नजर नहीं आ रही है। राकेश रोशन ने फिल्म की कहानी पूरी कर ली है, अब वो राइटर्स की टीम के साथ स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे हैं। इस सीरीज की पिछली तीनों फिल्मों को राकेश रोशन ने खुद डायरेक्ट किया था, मगर क्रिस फोर से वो बतौर प्रोड्यूसर जुड़ेंगे। राकेश और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को भरोसा है कि करण मल्होत्रा उनके विजन को सही तरीके से पर्दे पर उतार सकते हैं, इसीलिए उन्हें ही ये फिल्म डायरेक्ट करने के लिए चुना गया है। वो जल्द ही राकेश और राइटिंग टीम से जुड़ेंगे। करण इससे पहले ऋतिक के साथ अग्निपथ बना चुके हैं। उनकी पिछली फिल्म शमशेरा थी जो कि फ्लॉप रही। करण और ऋतिक रोशन कई बार साथ काम करने की कोशिश कर चुके हैं, पहले धर्मा प्रोडक्शन की शुद्धि पर और फिर इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुआ वाली फिल्म पर, मगर दोनों में कोई प्रोजेक्ट वर्कआउट नहीं हो पाया। अब सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन दोनों मिल करके आगे साथ काम कर रहे हैं। जहां पर सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन को लेकर बैंग बैंग और वार जैसी फिल्में बना चुके हैं, फिलहाल दोनों फाइटर पर साथ काम कर रहे हैं। राकेश रोशन की फिल्म क्राफ्ट के साथ मिलकर क्रिस फोर को प्रोड्यूस करेंगे। 2024 की शुरुआत में इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम शुरू होगा और 2024 में ही इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। ऋतिक इस साल नवंबर से वार 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। वार 2 के बाद क्रिस 4 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर सब कुछ इस प्लान के मुताबिक रहा तब भी क्रिस 4 2025 से पहले रिलीज नहीं हो सकती है। इसके लिए आइडियाज को लेकर माथा फोड़ी चल रही है। वैसे तो फिल्म का प्लॉट वगैरह छुपा कर रखा जा रहा है, मगर सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को पता चल ही जाता है। क्रिस 4 में ऋतिक का किरदार अपने पिता और जादू को वापस लाने की कोशिश करेगा। इस दौरान उसकी भिड़ंत कई सुपर विलन्स के साथ होगी। खैर, ये तो शुरुआती रुझान है, देखते हैं इसमें कितना मटेरियलाइज हो पाता है। अगर लोगों का कहना माने तो कहा जा रहा है कि क्रिस 4 बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्रिस 4 बॉक्स ऑफिस पर कितने हजार करोड़ का बिजनेस करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। क्रिश हमारा अपना सुपर हीरो जिसकी आने वाली फिल्म क्रिश 4 से हमें काफी सारी उम्मीदें हैं कि भले ही क्रिश 3 ने हमें निराश किया था, लेकिन क्रिश 4 एक ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड होगी और अच्छे वीएफएक्स के साथ साथ अच्छे कैरेक्टर्स भी होंगे। साथ ही क्रिश का यूनिवर्स काफी बड़ा है और इसलिए क्रिश 4 के लिए काफी सारी पॉसिबल स्टोरी लाइन सामने आती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिसमें सबसे पहली है कि क्या प्रिया यानी कि प्रियंका चोपड़ा के किरदार के पास भी कोई सुपर पावर्स नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जूनियर रोहित को अपने अंदर 9 महीने तक रखा और जन्म दिया, तब कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुए होंगे और ऐसा पॉसिबल है कि उसमें भी इस बार सुपर पावर्स नजर आए, क्योंकि जैसे कि हमने द ओरिजिनल्स में देखा था कि जब एक वेयरवुल्फ हाइब्रिड के बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब दोस्तों उस बच्चे के जन्म के बाद वो खुद भी एक हाइब्रिड बन जाती है। इस तरह से प्रिया के पास भी सुपर पावर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी फैमिली सुपर पावर वाली फैमिली हो जाएगी। इसके बाद की पॉसिबिलिटी है जादू का बैकग्राउंड, जादू कहां से आया है, वो कौन से प्लैनेट पर रहता है और क्या वो फिर से धरती पर आएगा, क्या जूनियर रोहित उसे कनेक्ट करेगा। दोस्तों बता दो कि इसके लिए एक फैन थ्योरी ये भी है कि जब जादू के प्लैनेट पर खतरा मंडराता है तब वो धरती पर क्रिश से मदद लेने आता है और क्रिश उसके ग्रह पर जाता है और तब क्रिश और जूनियर रोहित जादू को कनेक्ट करते हैं और जादू अपने दोस्त रोहित मेहरा के परिवार को बचाने के लिए आता है। इसके साथ ही रोहित मेहरा से जुड़ी एक और पॉसिबिलिटी है कि क्या वो क्रिश 4 में वापसी करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिश 3 में रोहित ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये एक साईफाई फिल्म है और इस बार एवेंजर्स द एंड गेम की तरह टाइम मशीन बनने के पूरे चांसेस हैं। इसके लिए थ्योरी ऐसी है कि जब क्रिश और प्रिया खतरे में पड़ जाएंगे तब जूनियर रोहित अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए अपने दादाजी को टाइम मशीन के जरिए बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। क्रिश और रोहित दोनों के सुपर पावर्स से है तो दोस्तों वो इस टाइम मशीन बनाने की मशीन में कामयाब भी हो जाएगा और रोहित मेहरा की एंट्री होगी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, हमारे देसी सुपर हीरो क्रिश 4 की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है और फिल्म के क्रिएटर राकेश रोशन का कहना है कि वो इस बार ऐसा VFX और CGI लाने वाले हैं जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्मों को नीचा दिखा देगा। लेकिन सिर्फ VFX से फिल्म हिट नहीं होती, वो तो फिल्म मेकिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है, लेकिन फिल्म हिट होने के पीछे सबसे ज्यादा अहम होती है फिल्म की स्टोरी। अगर स्टोरी ने ऑडियंस को अपनी सीट पर चिपका कर रख दिया कुल फेविकॉल के जोड़ जैसा और बिना पलके झपकाए वो स्क्रीन के सामने 2 से 2.5 घंटे बैठ जाएं,
आंसू गिर रहे हैं फिर भी बैठे हुए हैं, तो फिल्म का सुपर हिट होना पक्का है। जैसे एक्सपीरियंस हमें मार्वल की मूवीज हमेशा ही दे देती हैं, गलत, हमेशा नहीं देती हैं, एंड गेम में दिया था। और स्टोरी के मामले में अगर क्रिश फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो कोई मिल गया और क्रिश, ये दोनों ही अच्छी तरह से डेवलप की गई स्टोरीज थी, लेकिन क्रिश 3 में हमारी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि क्रिश 4 की स्टोरी का हाल ऐसा ना हो। साथ ही अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो कुछ वक्त पहले एक फैन थ्योरी में क्रिश के इविल अवतार को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि क्रिश के दो अवतार, एक गुड दूसरा इविल, जो क्रिश का ही हिस्सा होगा। लेकिन नेगेटिव इस कॉन्सेप्ट को आप कुछ वक्त पहले एक आई मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें वांडा पर उसके अंदर की नेगेटिविटी हावी हो जाती है, उसी तरह से क्रिश पर भी उसकी इविल साइड भारी हो जाएगी और वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, और क्रिश की गुड साइड को वापस लाने का काम करेगा लिटिल क्रिश, जो उसे पॉसिबली टाइम ट्रेवल कराकर पास्ट में या फ्यूचर में ले जा सकता है। और इस तरह से हमें रोहित मेहरा और जादू की भी झलक दिखाई जा सकती है दोस्तों, जो क्रिश की मदद करने के लिए आने वाले हैं। ये एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो एक साईफाई सुपर हीरो मूवी में काफी पॉपुलर है, और अगर इसे क्रिश में दिखाया जाता है और अगर उसमें काल और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जाए, ओहो, और क्रिश के प्लॉट को माइथोलॉजी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये काफी अच्छी फिल्म बन सकती है। और आज की ऑडियंस जिनके पास अनलिमिटेड मूवीज और जॉनर्स हैं चूज करने के लिए, वो इस फिल्म को एक चांस जरूर देंगे, और उसके लिए फिल्म का फर्स्ट लुक या पोस्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या क्रिश 4 की ऑडियंस की डिमांड पर खरी उतरती है या नहीं। क्रिश 4 की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्रिश के नाम की वजह से मूवी अच्छा खासा कमा तो लेगी, लेकिन अगर साथ ही मूवी की स्टोरी भी अच्छी हुई तो इस सब मूवी को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और ख़ास तौर पर अगर मूवी में जादू की एंट्री हो गई और मूवी का माइथोलॉजी से कनेक्शन हुआ और मूवी की स्टोरी ओरिजिनल हुई तो मूवी में और भी चार चांद लगने वाला है। अभी से ही क्रिश 4 पर काफ़ी सारी फैन थ्योरी वायरल हो रही है और हम सभी को हमारे अपने सुपर हीरो क्रिश से काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी। तो वहीं कई फैंस को ये डर है कि कहीं इस बार भी क्रिश 3 की तरह कॉपी पेस्ट न किया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार क्रिश 4 कमाई तो ठीक ठाक कर ही लेगी क्योंकि क्रिश का नाम ही काफ़ी है, लेकिन एंटरटेनमेंट पर ट्रोल हो जाएगी क्योंकि इस ज़माने में तो काफ़ी कम लोग मार्वल्स और डीसी की फिल्में देखते थे, लेकिन अब इंडिया में इन फिल्मों का और साथ ही एनिमीज़ का भी क्रेज़ काफ़ी बढ़ा है, और आजकल तो कहीं से अगर एक लाइन भी कॉपी की जाती है तो उसका पता चल जाता है, रील्स भी बन जाती है। तो अगर कहीं से पूरा कॉन्सेप्ट ही लिया जाए तो फिर तो इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट बनाने वाले एडिटर्स की चांदी लग जाएगी। इसके साथ ही एक फैन थ्योरी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो थी G1 का क्रिश के साथ क्रॉस होगा, क्योंकि अगर हम 2011 में चले जाएं तो शाहरुख खान ने भी एक काफ़ी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी की थी रावण, जो उस दौर से काफ़ी एडवांस मूवी थी और ज़्यादातर लोगों को ये मूवी पसंद भी आई थी। जो तरह से उस मूवी में हमें चिट्ठी दी रॉबर्ट यानी रजनी सर का कैमियो देखा था जो सिर्फ एक मिनट के लिए आए थे, अगर उसी तरह से क्रिश 4 में SRK एज G1 एक छोटे से कैमियो में आते हैं तो ये डबल बोनांजा हो जाएगा और मूवी को हिट करने में कोई नहीं रोक सकता। और जो हो सकता है G1 अपनी नेक्स्ट मूवी रावण 2 की हिंट देने आए, और अगर ऐसा होता है तो ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रेज बढ़ जाएगी इसकी। आपको क्या लगता है बताएं कमेंट सेक्शन में, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। क्रिश 4 की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है और राकेश रोशन का कहना है कि स्क्रिप्ट मैजिकल है और हम सबको उम्मीद है कि इस मूवी में हमें जादू देखने को मिलेगा, क्योंकि मैजिकल का मतलब ही जादू होता है। और अगर हमसे कोई ऐसा कहेगा कि क्रिश 4 आ रही है और उसमें जादू होगा तो हम तो फिल्म देखने ज़रूर ही जाएंगे ना, है कि नहीं, क्योंकि लास्ट हमने जादू का कैरेक्टर कोई मिल गया में देखा था और बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट रोल था। इसके साथ ही क्रिश सीरीज़ ने हमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की एक फ्रेश जोड़ी दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा क्रिश के लिए पहली चॉइस थी ही नहीं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, राकेश रोशन इस मूवी में अमृता राव को लेना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त जब मैं हूं ना आई थी उसमें उन्हें अमृता राव का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा था, और इसलिए वो उन्हें अपनी फिल्में में लेना चाहते थे ताकि उनके नए बने फैंस को थिएटर्स में लाया जा सके। इस रोल के लिए अमृता को अप्रोच किया गया था और उन्होंने हाँ भी की थी। उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उनका एक फ़ोटो शूट भी हुआ
जिसे देखने के बाद ये फैसला लिया गया कि अमृता इस रोल के लिए फिट नहीं है, क्योंकि राकेश रोशन को उनकी फोटोशूट में इन दोनों के बीच केमिस्ट्री ही नहीं नजर आई और इस वजह से अमृता ने खुद ही इस मूवी को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने ऋतिक के साथ अपना फोटोशूट देखा तो उसमें उनका हाइट डिफरेंस अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उनकी केमिस्ट्री नज़र ही नहीं आई। और उसके बाद प्रियंका को अप्रोच किया गया, जिनके पास मॉडल हाइट होती है, और उनकी जोड़ी ऋतिक रोशन के साथ काफ़ी अच्छी लगी, जिसे हम एक बार फिर से क्रिश 4 में ज़रूर देखना चाहेंगे। और इस मूवी में उनका किरदार काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो क्रिश की पत्नी और लिटिल क्रिश की मम्मी है और उनकी जगह और कोई एक्ट्रेस नहीं ले सकती, इसलिए उन्हें अप्रोच किया जाएगा। और अब भले वो हॉलीवुड में काम करती एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हो, प्रोड्यूसर बन गई हो, वो अपने करियर की इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म के अगले पार्ट का हिस्सा ज़रूर बनना चाहेंगी। आप कितने एक्साइटेड हो ऋतिक और प्रियंका को देखने के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है कि क्रिश 4 आने वाली है और उसको लेकर क्रिश के फैंस ने पोस्टर्स और फैन आर्ट बनाना भी शुरू कर दिया है। अब अगर बात की जाए क्रिश 4 की स्टोरी लाइन की, तो दोस्तों ये हम सब जानते ही हैं कि क्रिश 4 की स्टोरी क्रिश 3 से कनेक्टेड होगी और उसको ही आगे बढ़ाएगी, लेकिन इसमें हम क्या नया देख सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये स्टोरी जूनियर रोहित यानी कि कृष्णा और प्रिया के बेटे के आसपास होगी, जो रोहित मेहरा की तरह ही स्मार्ट होगा और उसके कैरेक्टर को हम थोड़ा बहुत मार्वल यूनिवर्स के आयरन मैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आयरन मैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और पावरफुल तीनों ही है, जो अपने दुश्मन को तो हराता ही है लेकिन एक अच्छा साइंटिस्ट भी है, जिसने टाइम मशीन तक बनाई थी और अपने सूट्स खुद बनाए थे। इसलिए दोस्तों हम रोहित से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने लिए और अपने पापा क्रिश के लिए हाईटेक सूट्स बनाएगा और उसे हर तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा और वो अपने दादा यानी कि रोहित मेहरा की लैब में जाकर काम करेगा और वहीं से होगा उसका गैलेक्सी में जाने का कनेक्शन, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार क्रिश सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर गैलेक्सी में भी लड़ने वाला है। इसके बाद जो काल का कैरेक्टर था उसकी वापसी हो सकती है, पर कैसे? तो आप जानते ही होंगे कि 3 म्यूटेंट जिन्हें काल ने ही बनाया था वो अभी भी बाकी हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा कहना सेफ होगा कि जूनियर रोहित की वजह से ही उन म्यूटेंट्स में जान आएगी और वही जरिया बनेंगे काल को वापस लाने के लिए। और काल तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ एक नया विलन भी आएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास सिर्फ कृष्णा ही नहीं जूनियर क्रिश भी है, यानी कि दो दो सुपर हीरोज हैं, तो उसके सामने सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि 2 से 3 विलन होने जरूरी हैं दोस्तों। और ये दूसरा विलन पृथ्वी का नहीं होगा, गैलेक्सी से होगा, दूसरे ग्रह से आया होगा, एक एलियन होगा। वो क्रिश पर हमला करने के लिए अपने घर से पृथ्वी पर क्यों आएगा? तो दोस्तों उसका कनेक्शन होगा जादू से। जब जादू के ग्रह पर मुसीबत आएगी तब क्रिश और जूनियर रोहित उसकी मदद करने के लिए वहां जाएंगे और इस वजह से अब गैलेक्सी के सबसे बड़े एलियन क्रिश के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उसने जादू की मदद की और यहां पर होगी जादू की एंट्री। जादू की मदद करने क्रिश उसके ग्रह पर गया, अब इसकी मदद करने जादू पृथ्वी पर आएगा। साथ ही दोस्तों हमारा गैस तो ये भी है कि इस बार प्रियंका चोपड़ा के किरदार यानी कि प्रियंका के पास भी सुपर पावर्स होंगी, क्योंकि दोस्तों उसने जूनियर रोहित को जन्म दिया है और जूनियर रोहित पहले से ही एक सुपर हीरो बना है और इस सुपर हीरो को प्रिया ने अपने पेट में 9 महीने रखा था, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ज़रूर हुए होंगे और उन्हीं की वजह से प्रिया को भी सुपर पावर्स मिले ही होंगे। तो आपकी क्रिश 4 को लेकर क्या थ्योरी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। क्रिश के पास काफ़ी सारी सुपर पावर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके उसने आज तक काफ़ी लोगों की जान बचाई, और क्रिश 3 में तो उसने पूरे देश को काल से बचाया था, और अब आने वाली क्रिश 4 में उसके साथ उसका बेटा जूनियर रोहित भी आने वाला है, जिसके पास पैदा होते ही सुपर पावर्स हैं और जिसे हम सब अभी से लिटिल क्रिश के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या लिटिल क्रिश पावर्स के मामले में क्रिश से बढ़ जाएगा आगे? तो क्रिश 4 में लिटिल क्रिश के सुपर पावर की बात की जाए तो उसमें उसके पास सबसे पहले तो क्रिश के सारे ही सुपर पावर होंगे, जैसे कि हाई जंप करना, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो एक प्लेन के गियर की दिशा बदल सकता है और काल के जो म्यूटेंट्स थे उनसे भी लड़ सकता है। इसके अलावा अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो एक सीन में क्रिश के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती और वो एक दीवार के आर पार भी आसानी से हो सकता है। मतलब उसके पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सब कुछ बहुत ही है। इसके साथ ही अगर उनकी
दूसरी स्किल की बात की जाए तो वो हैंड कॉम्बैट में काफ़ी माहिर है। इसके अलावा उसकी मेंटल कैपेसिटी प्रोसेसिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी चीज़ को सिर्फ देखने के बाद कुछ ही सेकंड्स में लर्न कर सकता है। अगर उसकी स्पीड की बात की जाए तो वो बुलेट की स्पीड से भी काफ़ी तेज़ है, जो हमने क्रिश 2 में देखी थी। क्रिश की स्किल्स हमने क्रिश 2 में सबसे ज़्यादा देखी थी और वो क्रिश का बेस्ट पार्ट था। इसके साथ ही उसकी सबसे अच्छी सुपर पावर तो वो है उसकी सेंस। वो कुछ भी होने से पहले उसे सेंस कर लेता है कि अभी ये होने वाला है। जैसे कि स्पाइडरमैन के पास उसकी स्पाइडी सेंस है, वैसे ही क्रिस के पास उसकी सेंस है। वो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसे वो एक चीज़ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है क्रिश 4 में। क्रिश हमारा सपना सुपर हीरो है, जिससे हमारे काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। और अब बस इंतज़ार है तो क्रिश 4 का, जिसमें जूनियर रोहित के पास भी सुपर पावर होने वाली है। अब अगर क्रिश 4 की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि पहले तो क्रिश का बेटा जूनियर रोहित, जो पहले से ही सुपर पावर्स के साथ आया है, तो क्या वो अपनी सुपर पावर दुनिया के सामने सीक्रेट लाने में कामयाब हो पाएगा? या अगर उसके सुपर पावर दुनिया के सामने आ गए तो क्या उसकी जान को खतरा हो जाएगा? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्या प्रिया यानी कि प्रियंका चोपड़ा के किरदार के पास भी कोई सुपर पावर्स नज़र आने वाला है, क्योंकि उसने जूनियर रोहित को अपने अंदर 9 महीने तक रखा और जन्म दिया, तब कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर हुए होंगे। और ऐसा पॉसिबल है कि उसमें भी इस बार सुपर पावर्स नज़र आए, क्योंकि जैसा कि हमने भी ओरिजिनल्स में देखा था कि जब एक वेयरवुल्फ हाइब्रिड के बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उस बच्चे के जन्म के बाद वो खुद भी एक हाइब्रिड बन जाती है। इस तरह से प्रिया के पास भी सुपर पावर आने के पूरे चांसेस हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी फैमिली सुपर पावर वाली फैमिली हो जाएगी। इसके बाद की पॉसिबिलिटी है जादू का बैकग्राउंड। जादू कहाँ से आया, ये कौन से प्लैनेट पर रहता है, और क्या वो फिर से धरती पर आएगा? क्या जूनियर रोहित उसे कनेक्ट करेगा? इसके लिए फैन थ्योरी में ये भी बताया गया कि जब जादू के प्लैनेट पर खतरा मंडराता है, तब वो धरती पर क्रिश की मदद लेने आएगा, और क्रिश उसके ग्रह पर जाता है और वहाँ के एलियंस के साथ लड़ता है। और इसकी एक रिवर्स थ्योरी ये है कि जब धरती पर अजीब तरह के ग्रह से एलियंस का हमला होता है, तब क्रिश और जूनियर रोहित जादू को कनेक्ट करते हैं, और जादू अपने दोस्त रोहित मेहरा के परिवार को बचाने के लिए आता है। इसके साथ ही रोहित मेहरा से जुड़ी भी एक पॉसिबिलिटी है कि क्या वो क्रिश 4 में वापसी करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिश 3 में रोहित ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, और इस बार एवेंजर्स दी एंड गेम की तरह टाइम मशीन बनने के पूरे चांसेस हैं। इसके लिए थ्योरी ऐसी है कि जब क्रिश और प्रिया खतरे में पड़ जाएंगे, तब जूनियर रोहित अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए अपने दादाजी को टाइम मशीन के जरिए बुलाएगा। अब आप बताओ, आपको कौन सी पॉसिबिलिटी पर ज़्यादा यकीन है, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और आप क्रिश 4 को लेकर कितनी एक्साइटेड है ये भी बताएं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय बाय। कुछ महीनों पहले जब इस साल की डिजास्टर मूवी आई, जिसका नाम हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं, उसके बाद क्रिश फ्रेंचाइज को जन्म देने वाले और हमें हमारा अपना इंडियन सुपर हीरो क्रिश देने वाले डायरेक्टर राकेश रोशन की तरफ से ये उड़ती हुई खबर आई थी कि वो अपनी अपकमिंग मूवी क्रिश 4 की जिम्मेदारी एक हॉलीवुड डायरेक्टर को सौंपना चाहते हैं। और साथ ही इसी साल जून या जुलाई के आसपास ये खबर मिली कि ऋतिक रोशन ने अपने पापा राकेश रोशन के साथ मिलकर क्रिश 4 की स्क्रिप्ट को कर लिया है फाइनल, जो हम सभी के लिए एक जश्न से कम नहीं था, क्योंकि भले ही क्रिश 3 में काफ़ी सारी कमियां थी, लेकिन क्रिश और जादू हमारे दिलों में बसते हैं। लेकिन यहां हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक इंडियन फिल्म के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर को लेना सही होगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस का सोचने का तरीका और उसके साथ ही काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो हॉलीवुड और इंडियन मूवीज़ में अलग होते हैं। साथ ही ऋतिक रोशन की ही एक फिल्म काइट्स को ब्रेट रैटनो ने डायरेक्ट किया था, जो ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी, और इस मूवी को जितना अच्छा रिस्पॉन्स स्टेट्स में मिला था, वैसा रिस्पॉन्स इंडिया में नहीं मिला, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर पाई। इसलिए ऋतिक रोशन के फैंस को इसी बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ही क्रिश 4 के साथ ना हो, क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी से हमें सबके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वहीं लॉजिकली देखा जाए तो अगर हॉलीवुड में किसी भी डायरेक्टर को लिया जाता है तो ये बहुत ही मस्त बात। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। कभी कभी एक्टर्स कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिनका पछतावा उन्हें बाद में होता है, और फिर वो अपनी बोली हुई बात का मीनिंग समझाने लगते हैं।
ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2013 में जब क्रिश 3 आई थी, तब जब इस फिल्म में इविल साइंटिस्ट काल का रोल प्ले करने वाले विवेक ओबरॉय के किरदार को लेट ऑस्कर विनिंग एक्टर हेल्थ लेजर के जोकर के साथ कंपेयर किया जा रहा था, और उन्होंने इस बात को लेकर ये कहा था कि उन्हें खुशी है कि उनके किरदार को इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। लेकिन 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 दोस्तों, जोकर द आइकॉनिक कैरेक्टर जो हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है, उसको जिन लोगों ने काल से कंपेयर किया वो लोग वही होंगे जिन्होंने डीसी की एक मूवी तक नहीं देखी। और इस बात को लेकर डीसी या सिर्फ जोकर फैंस का गुस्सा होना भी जायज है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई आईमैक्स 3D सिनेमा की टिकट खरीद कर अपने फेवरेट हीरो की मूवी देखने जाए और उसे ये कहा जाए कि उनकी टिकट कैंसिल हो गई है और अब उन्हें सिंगल फ्रेम में फिल्म देखनी होगी, तो उनको कैसा लगेगा? बस ऐसे ही जोकर के फैंस को भी लगा। और तब तो वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इतना क्रेज भी नहीं था, लेकिन फिर भी बात इतनी बढ़ गई थी कि विवेक ने खुद अपने अगले इंटरव्यू में आकर इस पर खुलासा किया कि उन्होंने कभी अपने किरदार को जोकर के साथ कंपेयर नहीं किया था। और वो लोगों के कमेंट देखकर काफी शॉक थे, जो जोकर से इंस्पायर जरूर थे और वो मानते हैं कि जोकर जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर कोई प्ले नहीं कर पाता। और जिस इंटरव्यू को लेकर लोग ट्रिगर हुए थे उसमें भी विवेक ने लोगों को ही उनके किरदार को जोकर से कंपेयर करने की बात कही थी। उन्होंने खुद ऐसा नहीं कहा था, लेकिन फिर भी बेचारे ट्रोल हो गए और अपने अगले इंटरव्यू में खुद को क्लैरिफाई करने उन्हें आना पड़ा। लेकिन अगर ऐसा किस्सा आज के सोशल मीडिया के वक्त पर हुआ जहां सभी उठते जागते बस इंस्टा रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो ट्रोलिंग अलग लेवल की ही हो जाती। और इसी वजह से क्रिश 4 के मेकर्स को और ऋतिक रोशन को इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि क्रिश 3 तो थी ही दोस्तों एक्समैन की कॉपी। और अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो जितने लोग फिल्म देखने जाएंगे ना, उससे ज्यादा लोग तो सोशल मीडिया पर इस फिल्म की मीम्स बनाएंगे, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे फेवरेट सुपर हीरो क्रिश का ऐसा डाउन। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन उनकी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे ऐसा कहा जाता है। इस पर आप एक ही गाना गाएंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और उस पर हम कहेंगे वो छोड़ो ये ना सोचो, अब ये कैसे क्या हुआ ये तो पता नहीं, पर क्रिश 4 को लेकर फैंस की जितनी डिमांड सुनाई दे रही है ना, उसकी वजह से अब फिल्म से जुड़ी खबरें भी ना बाहर आनी शुरू हो चुकी है। तो उसमें कहा जाता है कि ये फिल्म जल्द से जल्द आएगी, पर इस बार ऋतिक रोशन का ट्रिपल रोल हो सकता है ऐसा भी कहा गया, पर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, राकेश रोशन ने कुछ भी कन्फर्म नहीं बताया है। पता नहीं उनकी मैजिकल स्क्रिप्ट में वो ऐसा क्या लिख रहे हैं। अब जैसे रोहित मेहरा और क्रिश ये तो वापस आएंगे ही, और साथ में जादू भी आएगा जो इस फिल्म का ना स्टीलिंग पॉइंट हो सकता है। उसके साथ साथ एक और कैरेक्टर डेवलप किया जाएगा ऐसा भी कहा जाता है। दोस्तों अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो राकेश रोशन ही जानते होंगे, पर उससे पहले ये कहा जाता था कि ऋतिक रोशन डबल रोल निभाएंगे। जैसे हमने भी एक वीडियो में आपसे कहा था कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे। अब डबल रोल होगा मतलब कि सुपर हीरो का भी और सुपर विलन का, मतलब ऋतिक वर्सेस ऋतिक का मुकाबला होगा। वैसे ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था। अब करियर की शुरुआत में अपना बॉलीवुड डेब्यू करते वक्त ही ऋतिक ने कहो ना प्यार है में डबल रोल निभाया था, और उसके बाद अब फिर से वो डबल रोल निभाएंगे ऐसा कहा गया। दरअसल कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि ऋतिक को ही सुपर विलन कैरेक्टर निभाने की ख्वाहिश है, वो दोनों कैरेक्टर्स निभाना चाहते हैं। अब उनकी ये इच्छा पूरी की जा सकती है क्योंकि उनके पापा ही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और राइटर भी है साथ साथ में। पर उसमें ये भी कहा जाता है दोस्तों कि अगर अच्छा स्क्रीन प्ले प्लॉट के लिए तैयार होता है, फाइनल होता है, तो ही इसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते हैं। राकेश रोशन को अच्छा स्क्रीन प्ले चाहिए तभी वो डबल रोल के बारे में सोच सकते हैं। वैसे स्क्रीन पर ऋतिक के साथ ऋतिक का एक्शन देखते हुए ना बहुत ही कूल लगेगा, पर अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितना सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर ऋतिक में उतना पोटेंशियल तो जरूर है कि वो बेहतरीन विलन भी बन सकते हैं, और उनकी क्रिश सुपर हीरो सीरीज में ये पहली बार होगा जो शायद फिल्म को एक नई यूएसपी भी दे सकता है। वैसे आप ऋतिक को विलन के कैरेक्टर में देखना चाहते हैं या फिर ट्रिपल रोल में देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। दोस्तों जैसे हमने ब्रह्मास्त्र में देखा था कि शिवा के अंदर अमृता और देव के अंश थे, लेकिन उसकी सुपर पावर तो फायर थी जो कि ज्यादातर देवा से ही उसे मिला था, और अमृता की पावर वॉटर यानी कि जल थी, लेकिन वो पावर शिवा के पास नहीं थी, या फिर यूं कहे कि पार्ट वन में नहीं थी। हो सकता है कि इसका कोई लूप होल हमें पार्ट टू में नजर आ जाए। इसी तरह से अगर हम क्रिश की बात करें यानी कि कृष्णा और प्रिया का बेटा जिसके पास सुपर पावर तो है, जो हमने पार्ट 3 के एंड में ही देख लिया था कि वो बचपन से ही लिटिल क्रिश है, लेकिन क्रिश की पावर रोहित से जुड़ी थी और रोहित की पावर जादू से, और जादू एक एलियन है जिसने रोहित जो कि एक एबनॉर्मल लड़का था
उसकी मासूमियत और अच्छाई देखकर उसे स्मार्ट बना दिया था और उसका दिमाग इतना तेज कर दिया था कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट में से एक बन चुका था। और ये थ्योरी काल पर भी लागू होती है क्योंकि रोहित का भी अंश है उसमें। लेकिन अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि क्या लिटिल क्रिश के पास जादू के और भी किसी पावर का और कोई हिस्सा है या फिर नहीं, क्योंकि जादू के पास कौन कौन से पावर्स थे ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता है, ये कोई नहीं जानता है। और ये एक अच्छा मौका होगा क्रिश पोर के जरिए जादू, उसके प्लैनेट, उसके पावर्स और बाकी के एलियंस या फिर उसकी फैमिली के बारे में बताया जाए, क्योंकि क्रिश थ्रू से जादू को ऐसे गायब कर दिया गया था जैसे कि मानो क्रिश का अस्तित्व उसकी वजह से हो ही ना। जी हाँ, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा था हम फैंस को। और इसीलिए इस बार हम चाहते हैं, मतलब कि उम्मीद करते हैं कि इस बार क्रिशपुर में जादू और लिटिल क्रिश का कोई कनेक्शन तो दिखाया ही जाए। अब साथ ही अगर हम इंडियन सिनेमा में बनी या फिर बन रही साईफाई मूवीज की बात करें तो ज्यादा तो नहीं है ये, लेकिन इन फिल्मों में ना सुपर हीरो की सुपर पावर से ज्यादा या फिर उसके ओरिजिन से ज्यादा तो किसी और चीज पर फोकस होता है, जैसे कि उनकी लव लाइफ में काफी इंटरेस्ट रखा जाता है। हाँ, माना कि बॉलीवुड है तो गाने तो होंगे ही, लेकिन इतने सारे गानों की एक साईफाई मूवी में ना क्या क्या जरूरत है, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर वो मिस्टर इंडिया हो, रोबोट हो, क्रिश हो या फिर ब्रह्मास्त्र क्यों ना हो, इन सभी में ना लव स्टोरी को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया था। और अब इस साल आने वाली है एक और फिल्म कल्कि 2898 AD, जो कि एक साईफाई फिल्म है, लेकिन साथ ही डिस्टोपियन फ्यूचर भी इसमें हमें नजर आने वाला है, यानी कि इसका भी एक कंसेप्ट इसमें है। उसमें उम्मीद करते हैं कि लव सॉन्ग्स या फिर एक्सेसिव लव स्टोरी ना हो, इस तरह हीरो विलन और उनके ओरिजिन पर फोकस हो, और ऐसा ही क्रिश 4 के लिए भी हम सभी उम्मीद करते हैं जिसकी स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्रिश 4 की बात तो हम सब कर रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट हो गई है फाइनल, लेकिन क्रिश की डिजास्टर भरी तीसरी मूवी के बाद ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इस बार क्रिश 4 अच्छा कर पाएगी, क्योंकि 2014 में जब क्रिश 3 आई तब उसने बस तो काफ़ी क्रिएट किया और कमाई भी काफ़ी अच्छी की, लेकिन मूवी की स्टोरी ओरिजिनल नहीं थी और फिल्म की लेंथ ने सबको परेशान कर दिया था। और सबसे अहम बात तो ये थी कि फिल्म में जादू ही नहीं था। अब ये भी कोई बात हुई, जो मूवी का बेस है उसे ही मूवी में नहीं लिया गया, जिसने सुपर पावर दिए उसे ही रोहित और कृष्णा। जमाना भी कम था लेकिन आज सबके पास स्मार्टफोन है और उसमें इंस्टा, इंटरनेट, फेसबुक और यूट्यूब सब कुछ है, और अगर इस बार कुछ भी कॉपी हुआ या अच्छी नहीं हुई तो मूवी को रोल होने से कोई नहीं रोक सकता, जादू का जादू भी नहीं रोक पाएगा। वैसे ही हाल ही में आई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइट, जिसके लिए हम सभी काफ़ी एक्साइटेड थे, उसने इतना कमाल नहीं दिखाया। मूवी के ज़्यादातर शॉट्स हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी थी और इसी वजह से हम क्रिश के फैंस को भी यही चिंता है कि कहीं इस बार क्रिश 4 में भी पूरा मार्वल ही ना ऐड ऑन कर दिया जाए, जैसे अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में है। भले ही मूवी में माइथोलॉजी ऐड की गई है लेकिन मूवी का पूरा बेस एवेंजर्स द इन्फिनिटी वॉर से ही लिया गया था, जैसे कि क्रिश 3 का पूरा बेस एक्समैन से था, इसलिए इस बार पार्ट 4 में भी ऐसा होने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही गरीबी में आटा गीला तो इस वजह से भी हो रखा है कि इस मूवी की डायरेक्टर कौन करेगा, ये अभी तक ये तय भी नहीं हुआ है। कोई मिल गया क्रिश और क्रिश 3 को राकेश रोशन ने खुद डायरेक्ट किया था, लेकिन अब की बार ऐसा कहा जा रहा है कि डायरेक्टर चेंज होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये भी बात फैली हुई है कि इसी हॉलीवुड डायरेक्टर को मूवी में कार्य करने के लिए लिया जा सकता है। अब देसी मूवी के लिए विदेशी डायरेक्टर को लेना, ये कहाँ की समझदारी हुई, इससे अच्छा तो राकेश अगर इस मूवी को खुद डायरेक्ट करे और मूवी को ज्यादा वेस्टर्नाइज करने की जगह अगर कोई मिल गया और क्रिश ऐसी स्टोरी लेकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्रिश 4 को लेकर आज तक आपने काफी सारी फैन थ्योरी सुनी होगी कि क्रिश 4 में जादू की एंट्री होने वाली है, हम उसके प्लैनेट पर जा सकते हैं या फिर काल की वापसी होगी, फिर जो 3 म्यूटेंट्स बचे हैं वो फिर से नेगेटिव हो जाएंगे और इस फिल्म में ऐसा काम करेंगे जैसे एवेंजर्स की एंडगेम में थानोस के लिए कॉर्बस और प्रॉक्सिमा मिडनाइट जो उसके बच्चे थे उन्होंने काम किया था, वैसा ही काम काल के ये म्यूटेंट्स के लिए करेंगे, और उनके एक्टिव होने के पीछे लिटिल क्रिश का ही हाथ होगा। और जब वो एक्टिव हो जाएंगे उनका एक ही मकसद होगा कि वो काल को किसी भी तरह से वापस लाए और क्रिश को खत्म करें। इसके साथ ही एक थ्योरी के इस
हिसाब से तो ये भी कहा जा रहा था कि इस बार क्रिश का विलन क्रिश खुद होगा, यानी कि क्रिश की एविल साइड हमें देखने को मिलेगी, जो क्रिश की अच्छी साइड पर भारी पड़ेगी। उसके बाद क्रिश जिसे कि हम सुपर हीरो मानते हैं वो सुपर विलन में बदल जाएगा। तो कहीं ये कहा जा रहा था कि क्रिश 4 में रोहित मेहरा को वापस लाया जाएगा और टाइम मशीन वाला कंसेप्ट दिखाया जाएगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि क्या होगा अगर क्रिश 4 में एक अलग तरह का एलियन अटैक हो जाए? मतलब कि जिस तरह से अभी का प्लैनेट दिखाया गया उसी तरह से गैलेक्सी में ऐसे काफी सारे प्लैनेट्स हैं जहां पर एलियंस रहते हैं, और जादू के ग्रह से जो स्पेसशिप आई थी उसका क्या मकसद था ये आज तक हम नहीं जान पाए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक साइंटिस्ट के एक से दो बार कॉन्टैक्ट करने पर एलियंस पृथ्वी पर आ गए। हो सकता है कि उनका कोई और ही मकसद हो और उन्हें पृथ्वी पर गैलेक्सी के सबसे बड़े ग्रह के सबसे बड़े एलियन ने भेजा ताकि वो पृथ्वी पर अपना कब्जा कर सके, लेकिन जादू और उसके साथ ही उस काम में नाकामयाब हो रहे हो और इसी वजह से अब उस एलियन का एक ही मकसद है कैसे भी कर कर पृथ्वी पर कब्जा करना है, और वो फिर से एक बार जादू को ही क्रिश के पास भेजेगा, वो भी अपना स्पाई बनाकर। और अगर ऐसा होता है तो इस बार जादू क्रिश पूल में एंट्री तो होगी ही, लेकिन वो क्रिश को धोखा देने वाला है। और अगर इस तरह की ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी हुई ना तो ऑडियंस को देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। और इन एलियंस का सामना क्रिश और लिटिल क्रिश कैसे करते हैं ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, जिस तरह से सलमान खान की फिल्म किक टू को लेकर कहा गया था कि उसमें सलमान खान डबल रोल निभाएंगे, मतलब वो हीरो भी बनेंगे और विलन भी, ऐसा सिर्फ कहा गया है, वैसा ही कुछ ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिश 4 में भी हो सकता है। मतलब ऋतिक ही सुपर हीरो प्ले करेंगे और सुपर विलन भी। अब सलमान के केस में ये बात है कि वो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं निभाते, पर ऋतिक ने अपने करियर में ऐसे शेड्स निभाए हैं, फिर चाहे वो धूम 2 का चोर हो या फिर मिशन कश्मीर का टेररिस्ट हो, उन्होंने अपनी नेगेटिव झलक भी हमें दिखाई है। उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पर क्रिश 4 एक सुपर हीरो सीरीज है और उसमें ऋतिक को हम सिर्फ सुपर हीरो अवतार में ही देखना चाहेंगे। ऋतिक वर्सेस ऋतिक का मुकाबला बहुत तगड़ा होगा, और जहां तक की स्क्रिप्ट लिखी गई है उससे तो लगता नहीं है कि ऋतिक सुपर विलन बन पाएंगे। इसके साथ ही देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपना कैरेक्टर दोहराते हुए नजर आ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि प्रीति जिंटा और एक्ट्रेस रेखा भी वापस आएंगी, मतलब इन सब की वापसी होने वाली है क्रिश 4 में। पता नहीं ये लास्ट फ्रेंचाइजी है इसलिए सब लोग एक साथ टपक पड़ेंगे शायद, या सच में इनका कोई बड़ा रोल है, ये तो भाई फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद ही हम कुछ कंफर्म करके बता पाएंगे आपको। पर अगर ऐसा कहा जाता है कि कोई मिल गया और क्रिश 3 के कैरेक्टर्स क्रिश 4 में भी नजर आएंगे तो इसका मतलब कि मेकर्स को और भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई मिल गया आई थी 2006 में और क्रिश 3 आई थी 2013 में और अब तो चल रहा है 2024, यानी कि 11 साल बाद कैरेक्टर्स को अगर दिखाएंगे ना तो वो और भी बूढ़े हो चुके होंगे। और वहीं से अगर कहानी को कंटिन्यू करने का कोई प्लान होगा ना क्रिश 4 में तो इन सब का डी एजिंग दिखाया जाएगा, मतलब उनकी ओरिजिनल उम्र से कम उम्र में दिखाया जाएगा, जैसे वो कोई मिल गया क्रिश 3 में दिख रहे थे। और ये सब कमाल तो वीएफएक्स का होगा जिस तरह से शाहरुख खान की फिल्म डंकी में किया गया था उनके दो रूप दिखाने के लिए। पर एक बात ये है कि कुछ सोर्सेस कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा तो वापस नहीं आएंगी, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मेकर्स उन्हें वापस लाना चाहते हैं, पर अगर उन्हें वापस लाना ना हो या फिर किसी और एक्ट्रेस को लेना हो तो ऐसे में तो बाकी कैरेक्टर्स तो फिल्म में दिखेंगे पर वो अकेली नहीं होगी, जो उनके फैंस को साफ पता चलेगा, क्योंकि पिछली फिल्म में प्रियंका मौजूद थी और अब अचानक से गायब कहाँ हो गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा ना भाई। पर अगर स्क्रिप्ट फ्रेश होगी तो इस झंझट से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कौन वापसी कर सकता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी मूवी फाइटर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। मूवी में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें तारीफ मिल रही है। वहीं अब मूवी के बारे में बात करते हुए ऋतिक ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर चुप्पी तोड़ दी है। ऋतिक ने कहा कि सुपर हीरो फिल्म देखना मजेदार हो सकता है लेकिन इसे बनाना कोई आसान काम नहीं। इसके साथ ही इन्होंने अपनी मूवी क्रिश फ्रेंचाइज के 4th पार्ट के बारे में बात की। मूवी पर लगातार बनी एक्साइटमेंट का आंसर देते हुए ऋतिक रोशन ने हिंट दिया कि फैंस को भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सुपर हीरो को स्क्रीन पर पोर्ट्रे करने में आने वाली स्ट्रगल्स के बारे में बताते हुए फैंस से पेशेंस रखने को कहा क्योंकि मूवी अभी भी कई दिक्कतों का सामना कर रही है। हाल ही में दिए इंटरव्यू में ऋतिक ने कहा
क्रिश 4 के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। मूवी पर प्रोग्रेस जारी है। ये कुछ ऐसी मूवी है जो जाहिर तौर से एक कठिन मूवी है और आप इसे प्रोडक्शन व्यू के हिसाब से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सुपर हीरोज मूवीज बनाना कोई खिचड़ी बनानी नहीं है, क्योंकि इनका बजट, प्रोडक्शन और कहानी बहुत गहरी होती है जिस पर डिटेल से काम करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। उन्होंने कहा, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। पिछले साल जनवरी में एक्टर ने बताया था कि क्रिश 4 का प्रोडक्शन एक छोटी सी टेक्निकल चीज पर अटका हुआ था। साल के एंड तक इस पर काबू पाने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा था, क्रिश 4 पर श्योर पाइपलाइन में है और ये जल्दी सच होगी। इससे पहले खबर आई थी कि ऋतिक रोशन ने क्रिश 4 की स्क्रिप्ट तय कर ली है और शूटिंग स्टार्ट होगी, जिसके लिए वे एक अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं। स्क्रिप्ट राकेश रोशन ने लिखी थी और ऋतिक चाहते थे कि कहानी इस पार्ट के लिए शानदार हो, इसलिए उन्होंने कहानी को रिव्यू किया, क्योंकि दोनों पिता पुत्र नहीं चाहते थे कि स्क्रिप्ट गलत हो और इसलिए जूनियर रोशन ने भी इसमें कुछ चेंजेस किए थे। खैर, अब देखते हैं क्या होने वाला है क्रिश में। क्रिश हमारा सुपर हीरो है जिससे हमारे काफी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं और अब बस इंतजार है तो क्रिश 4 का, जिसमें जूनियर रोहित के पास भी सुपर पावर होने वाले हैं। अब अगर क्रिश 4 की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि पहले तो ही कि क्रिश का बेटा जूनियर रोहित जो पहले से ही सुपर पावर्स के साथ आया है, तो क्या वो अपने सुपर पावर दुनिया के सामने सीक्रेट रखने में कामयाब हो पाएगा, या अगर उसके सुपर पावर दुनिया के सामने आ गए तो क्या उसकी जान को खतरा हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्या प्रिया यानी कि प्रियंका चोपड़ा के किरदार के पास भी कोई सुपर पावर्स नजर आने वाले हैं, क्योंकि उसने जूनियर रोहित को अपने अंदर 9 महीने तक रखा और जन्म दिया, तब कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुए होंगे और ऐसा पॉसिबल है कि उसमें भी इस बार सुपर पावर्स नजर आए, क्योंकि जैसा कि हमने दी ओरिजिनल्स में देखा था कि जब एक वेयरवुल्फ हाइब्रिड के बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उस बच्चे के जन्म के बाद वो खुद भी एक हाइब्रिड बन जाती है। इस तरह से प्रिया के पास भी सुपर पावर होने के चांसेस बहुत ही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी फैमिली सुपर पावर वाली फैमिली बन जाएगी। इसके बाद की पॉसिबिलिटी है जादू का बैकग्राउंड, जादू कहाँ से आया है, वो कौन सी प्लैनेट पर रहता है और क्या वो फिर से धरती पर आएगा, क्या जूनियर रोहित उसे कनेक्ट करेगा। इसके लिए एक फैन थ्योरी भी आई है कि जब जादू के प्लैनेट पर खतरा मंडराता है तो वो धरती पर क्रिश की मदद लेने आता है और क्रिश उसके ग्रह पर जाता है और वहाँ के एलियंस के साथ लड़ाई करता है। और इसकी एक रिवर्स थ्योरी ये भी कहती है कि जब धरती पर अजीब तरह के ग्रह से आए एलियंस का हमला होता है, तब क्रिश और जूनियर रोहित जादू को कनेक्ट करते हैं और जादू अपने दोस्त रोहित मेहरा के परिवार को बचाने के लिए वापस आता है। इसके साथ ही रोहित मेहरा से जुड़ी एक और पॉसिबिलिटी है कि क्या वो क्रिश 4 में वापसी करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिश 3 में रोहित ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और ये इस बार एवेंजर्स द एंड गेम की तरह टाइम मशीन बनने के पूरे चांसेस है क्रिश 4 में भी। इसके लिए थ्योरी ऐसी है कि जब क्रिश और प्रिया खतरे में पड़ जाएंगे तब जूनियर रोहित अपनी मम्मी पापा को बचाने के लिए अपने दादाजी को टाइम मशीन के जरिए बुलाने की पूरी कोशिश करेगा, और क्योंकि जूनियर रोहित के पास क्रिश और रोहित दोनों के सुपर पावर्स हैं, वो इस टाइम मशीन को बनाने में भी सक्सेसफुल रहेगा। खैर, बाबा तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय। कोई मिल गया जो क्रिश सीरीज की फर्स्ट मूवी थी, उसमें हम रोहित के अंतरिक्ष से आए फैन से मिले जो हमारा भी दोस्त बन गया और वो है जादू, और उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें जानी, जैसे कि धूप उसकी एनर्जी का सोर्स है और उसके पावर्स की वजह से रोहित ठीक हो गया, और इतना ही नहीं वो इतना जीनियस बन गया कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी टक्कर दे सकता है। साथ ही इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जादू जिसकी एनर्जी का सोर्स धूप है और अंधेरा होते ही उसकी एनर्जी कम हो जाती है या उसके सुपर पावर्स कम हो जाते हैं, तो उसका प्लैनेट ऐसा होगा जहाँ हर वक्त धूप रहती होगी। और क्रिश 4 में हमें ये दिखाया जा सकता है कि उसके प्लैनेट पर किसी ने हमला कर दिया है और उनकी एनर्जी के सोर्स धूप को ही उन तक पहुँचने से रोक दिया गया है, और इसलिए जादू और उसके लोग मुसीबत में पड़ गए और वो क्रिश की मदद मांगने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जादू को रोहित और उसके दोस्तों की बातें भी समझ आती है, यानी कि वो ह्यूमन लैंग्वेज समझ जाता है, तो हो सकता है कि जब जादू और उसके साथी पृथ्वी पर आए थे तो वो ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में समझ कर ही आए होंगे, या ऐसा सॉफ्टवेयर अपने अंदर अपडेट करके आए होंगे कि वो इंसानों की भाषा को समझ सके। लेकिन जादू और उसके साथियों के पृथ्वी पर आने के मकसद अभी भी क्लियर नहीं है,
अगर वो लोग इतनी तैयारियां करके आए थे तो फिर चले क्यों गए? क्या वो इंसानों पर जासूसी करने आए थे और इसी वजह से अपने एक साथी को छोड़कर चले गए? लेकिन फिर जब रोहित ने जादू को सबसे बचाया तब उसे ये लगा कि इंसान अच्छे हैं और उसने अपने बाकी साथियों से भी कहा कि इंसान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले और इसलिए उन्होंने कोई हमला नहीं किया। ये तो हमें क्रिश 4 में ही पता चलेगा। आप कितने एक्साइटेड हो बताएं कॉमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। दोस्तों, क्रिश का हमने सुपर हीरो वाला लुक तो देख ही लिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर क्रिश एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक विलन बन गया तो फिर क्या होगा? जैसे वांडा के किरदार को मार्वल के मल्टीवर्स में स्कारलेट विच बना दिया गया था, ऐसा ही कुछ क्रिश के साथ भी हो सकता है क्रिश 4 में। जी हाँ, जिसमें हमें क्रिश की दो साइड्स नजर आएंगी, एक सुपर हीरो वाली और एक सुपर विलन वाली। यानी कि इस बार क्रिश की लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही होने वाली है। अपने मिरर इमेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बस उसी तरह का कंसेप्ट क्रिश 4 में भी हो सकता है, जिसमें क्रिश की एक मिरर इमेज उसके सामने होगी, लेकिन क्रिश आइडियल या फिर सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन होगा जिससे इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। हमने देखा है कि क्रिश 3 ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी बल्कि उसमें एक्समैन को कॉपी किया गया था और साथ ही फिल्म एक पॉइंट पर थोड़ी सी बोरिंग भी लग रही थी और जो एक्शन सीक्वेंस थे ना वो भी टू द पॉइंट नहीं थे। इसलिए क्रिश 4 को अगर इस जमाने में, मतलब कि इस Gen Z वाले जमाने में और इंस्टाग्राम वाले जमाने में ना हिट कराना है तो फिर फिल्म की स्टोरी का ना ओरिजिनल होना बहुत ही जरूरी है और इसके साथ ही क्रिश को बिना लेवल अप तो करना ही पड़ेगा। अब अगर हम क्रिश को यानी कि क्रिश के कैरेक्टर को डेवलप करने की बात करें तो फिर इस पे सबसे पहले तो क्रिश का जो सूट है ना उसे अपग्रेड करने की बहुत ही जरूरत है। जैसा कि हमने देखा है कि आयरन मैन के आज तक के सारे सूट्स काफी आइकॉनिक थे जिसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी होती है, तो वहीं क्रिश का सूट ना काफी बेसिक है, इसलिए क्रिश के सूट में भी नैनो या फिर माइक्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे अपग्रेड किया जा सकता है और उसे हाईटेक बनाया जा सकता है जो क्रिश की काफी मदद करेगा। इसके साथ ही क्रिश का जो मास्क है उसे भी अपग्रेड किया जा सकता है, जैसे टोनी स्टार का चश्मा है वो भी हाईटेक है। इस तरह से क्रिश के मास्क को भी ना हाईटेक बनाया जा सकता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा, जिससे क्रिश अपने सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पहले से ही जान पाएगा। वैसे तो क्रिश के पास काफी पावर्स है, उसकी सेंस स्पाइडी सेंस जैसी ही है, लेकिन अगर उसका मास्क हाईटेक होगा तो वो अपने दुश्मनों से ना काफी अच्छे से लड़ पाएगा। तो आपके हिसाब से क्रिश के सूट में कैसे कैसे अपग्रेड होने जरूरी है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्रिश हमारा पहला ऐसा एक इंडियन सुपर हीरो है जिसकी मूवी देखने के लिए हम सभी काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, लेकिन जब इस मूवी का तीसरा पार्ट आया उसने हमें काफ़ी डिसअपॉइंट किया क्योंकि ना तो इसमें जादू था और ना ही क्रिश का वो पहले वाला जादू क्रिएट हो पाया। लेकिन अब जब क्रिश 4 की बातें हो रही हैं तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि क्रिश फ्रेंचाइजी में उसकी जान यानी कि जादू को वापस लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या 10 सालों के बाद क्रिश 4 आएगी तो उसे कोई देखने के लिए इतना एक्साइटेड होगा? क्योंकि आजकल की जनरेशन के पास हॉलीवुड के ही इतने सारे सुपर हीरोज हैं कि वो बॉलीवुड के सुपर हीरो में कुछ अच्छे एलिमेंट्स हुए तो ये मूवी देखना आज की जनरेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही अगर क्रिश 4 में क्रिश के नए सुपर पावर्स की बात की जाए तो जूनियर रोहित के पास होंगे, तो उसमें सबसे पहले तो क्रिश के सारे ही सुपर पावर्स होते हैं जैसे कि हाई जंप करना, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो एक प्लेन के गियर की दिशा बदल सकता है और काल के जो म्यूटेंट्स थे उनसे भी लड़ सकता है। इसके अलावा अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो एक सीन में क्रिश के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती और वो एक दीवार के आर पार भी आसानी से हो सकता है। मतलब उसके पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही अगर उसकी दूसरी स्किल की बात की जाए तो वो है हैंड कॉम्बैट में काफ़ी माहिर। इसके अलावा उसकी मेंटल कैपेसिटी और प्रोसेसिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी चीज़ को सिर्फ देखने के बाद कुछ ही सेकंड्स में लर्न कर लेता है यानी एनालाइज कर लेता है। अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है तो बहुत ही मजा आएगा क्रिश 4 को देखते हुए। मिल गया जो क्रिश सीरीज की फर्स्ट फिल्म थी, उसमें हम रोहित के अंतरिक्ष से आए फैन से मिले जो हमारा भी दोस्त बन गया और जो है जादू, और उसके बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी जैसे कि धूप उसकी एनर्जी का सोर्स है और उसके पावर्स की वजह से रोहित ठीक हो गया और इतना ही नहीं वो इतना जीनियस बन गया कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी ना टक्कर दे सकता है, और ये हमने क्रिश में देखा था। साथ ही
हम ये भी कह सकते हैं ना कि जादू जिसकी एनर्जी का सोर्स धूप है और अंधेरा होते ही उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसके सुपर पावर्स काम नहीं करते हैं, तो उसका प्लैनेट ऐसा होगा जहां हर वक्त धूप ही रहती होगी। और क्रिश फोर में हमें ये दिखाया जा सकता है कि उसी प्लैनेट पर किसी ने हमला कर दिया है और उसकी एनर्जी के सोर्स धूप को ही वहां तक पहुंचने से रोक दिया है, और इसीलिए जादू और उसके लोग मुसीबत में पड़ गए हैं और वो क्रिश की मदद मांगने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जादू को रोहित और उसके दोस्तों की बातें भी समझ में आती थी, यानी कि वो ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकता था। तो हो सकता है कि जब जादू और उसके साथी पृथ्वी पर आए थे तो वो ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में समझ कर ही आए होंगे, या ऐसा सॉफ्टवेयर अपने अंदर अपडेट करके आए हो कि वो इंसानों की भाषा को समझ सके। लेकिन जादू और उसके साथियों के पृथ्वी पर आने के मकसद अभी भी क्लियर नहीं है। अगर वो लोग इतनी तैयारियां करके आए थे तो फिर चले क्यों गए? क्या वो इंसानों पर जासूसी करने के लिए आए थे और इसी वजह से अपने एक साथी को छोड़कर चले गए होंगे? लेकिन फिर जब रोहित जादू को सबसे बचाया तब उसे ये लगा कि ये इंसान तो अच्छे हैं, और उसने अपने बाकी साथियों से भी ये कहा कि इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है और इसलिए उन्होंने कोई हमला नहीं किया। अब इस बात का जवाब हमें क्रिश फोर में ही मिलने वाला है। अगर इस बार मेको जादू पर फोकस करेंगे तो जो इस पूरी सीरीज का मेन फोकस कहा जा सकता है। इसके साथ ही हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इस बार स्क्रीन टाइम का बड़ा वक्त गानों में बर्बाद ना करके फिल्म की स्टोरी और एक्शन पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी में ना गाने ना भी होना तो भी चलता है, सिर्फ एक अच्छा और धमाकेदार टाइटल सॉन्ग हो और एक थीम सॉन्ग हो। अगर ये दोनों ही अच्छे से हुए ना तो फिर फिल्म में और किसी गाने की जरूरत है ही नहीं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म शक्तिमान की अनाउंसमेंट भी हो गई, पर भी ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश फोर का कोई अता पता नहीं है। कई शक्तिमान रिलीज होने के बाद तो क्रिश नहीं आएगी ना, क्या पता शक्तिमान के व्यूज देखकर राकेश रोशन क्रिश फोर पर काम करना चाहती हो। खैर वैसे शक्तिमान और क्रिश में फाइट हुई तो फिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा? अब वी डोंट नीड टू डिसाइड, दोनों की अपनी अपनी पावर्स है और दोनों बिना सिमिलर पावर्स भी है। पर शक्तिमान पर करना एक प्लस पॉइंट ये है कि वो 90s की एक पॉपुलर सीरियल पर बनने वाली फिल्म है, यानी कि इसका ऑलरेडी एक बड़ा फैन बेस है। हाँ क्रिश का भी एक फैन बेस है, पर क्रिश ने हमें कितना भी एंटरटेन किया हो वो शक्तिमान का क्रेज कभी खत्म या फिर कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि शक्तिमान से हम इमोशनली अटैच्ड हैं सिंस चाइल्डहुड। एक परमानेंट टैटू की तरह वो हमारे दिलों दिमागों पर छप चुका है। दरअसल जब क्रिश आई थी तब से हीरोना शक्तिमान का इंतजार कर रहे थे, और वैसे भी क्रिश थ्री हमें एंटरटेन करने में उतनी कामयाब भी नहीं रही। वैसे राकेश रोशन को शक्तिमान वालों का कॉन्फिडेंस देखना चाहिए। अब शक्तिमान के साथ सोनी पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी जुड़ी हुई है, पर अगर वो शक्तिमान के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रख सकते हैं तो राकेश रोशन ने ऐसा क्यों सोचा कि क्रिश फोर के लिए 200 से 300 करोड़ सफिशियंट नहीं होंगे? और अगर बजट बढ़ाकर क्रिश फोर का स्केल भी बढ़ता है तो राकेश रोशन को किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए वो राजी नहीं है। शायद इसीलिए फिल्म की अनाउंसमेंट में डिले हो रहा है। वैसे तो मुकेश खन्ना यानी कि ओरिजिनल शक्तिमान ने ये कहा है कि उनकी फिल्म क्रिश रावण से भी बढ़िया होगी, वो भी 300 करोड़ में, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है क्रिश फोर के लिए, क्योंकि उन्हें अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मार्वल लेवल की फिल्म यानी कि जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए सफिशियंट है जिससे कि वो सबके छक्के छुड़ा सकते हैं, तो राकेश रोशन को ना इस कॉन्फिडेंस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। वैसे भी ना क्रिश थ्री कई चीजों में पीछे रही। फिल्म की कहानी काफी प्रेडिक्टेबल थी, सिर्फ वीएफएक्स के दम पर फिल्म को प्रेजेंट किया गया, और क्रिश थ्री देखने के बाद कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा भी था कि भाई क्रिश थ्री अच्छी तो है पर शक्तिमान वाली बात नहीं थी, ऐसा मीम्स के तौर पर फैलाया गया था। पर हाँ क्रिश थ्री की पिछली फ्रेंचाइजी के कंपैरिजन में क्रिश थ्री उतना एंटरटेन नहीं कर पाई थी, तो क्रिश फोर के जरिए अब इसकी भरपाई तो करनी चाहिए। इसके लिए राकेश रोशन को अपनी बाउंड्रीज तोड़कर बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब शक्तिमान भी सामने है तो ऐसे में टक्कर तो देनी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है शक्तिमान कितना भारी पड़ने वाली है क्रिश के ऊपर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइस आर यू एक्साइटेड? अब एक्साइटमेंट तो बनता है ना, क्योंकि हमारे बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से लौट कर आ रहा है अपनी पॉप क्रिश फोर के साथ, जिसमें इस बार क्रिश के साथ साथ लिटिल क्रिश और जादू भी होने वाले हैं। क्योंकि अगर क्रिश फोर में जादू की एंट्री नहीं हुई तो ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी, क्योंकि जादू के बिना क्रिश थ्री भी आई थी
और वो कुछ खास चली नहीं थी, इसलिए अगर क्रिश 4 को वही पुराना वाला मैजिक क्रिएट करना है ना, तो जादू को तो वापस आना पड़ेगा। साथ ही अगर हम की प्लॉट की बात करें तो इस बार ओरिजिनल कहानी की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार तो क्रिश 3 में ना एक्समैन की कॉपी की गई थी, और अगर इस बार भी किसी हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म की कॉपी की गई ना, तो फिल्म अपने नाम और फ्रेंचाइजी की वजह से पैसे तो कमा लेगी लेकिन ट्रोल भी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर जादू की एंट्री हुई तो गैलेक्सी में जाने का पार्ट भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जब जादू अपने प्लैनेट पर होगा और वहां पर कोई मुसीबत आ जाएगी, यानी कि उसका पूरा प्लैनेट खतरे में होगा, तब वो अपने दोस्त को याद करेगा यानी कि रोहित को। लेकिन उसे ये पता चलेगा कि रोहित तो अब नहीं रहा है, तब वो कृष्ण से मदद मांगेगा और कृष्ण जादू की मदद करने के लिए जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से तो उसे सुपर पावर मिले है और वो सुपर हीरो बना है। और जब वो गैलेक्सी में जाएगा और जादू के प्लैनेट पर पहुंचेगा, तब उसे पता चलेगा कि गैलेक्सी में तो काफी सारे प्लैनेट्स हैं जिन पर कई अलग अलग तरह के एलियंस रहते हैं, जिनमें जादू का प्लैनेट बहुत ताकतवर है, यानी कि उसकी एलियंस ना सबसे ताकतवर है, जो पृथ्वी पर आने में सफल भी रहे थे लेकिन अब उन पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। साथ ही ये एक मौका भी होगा जादू की हिस्ट्री बताने का, ताकि ऑडियंस ना उससे कनेक्ट कर सके कि वो कौन से प्लैनेट से आया था, उसकी सुपर पावर क्या है, या फिर उसकी ताकत में कौन कौन है, क्या वो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं या फिर उनके भी नंबर्स होते हैं। इसलिए अगर इस पर जादू की स्टोरी पर फोकस किया गया ना, तो ये तो अच्छी चल सकती है ऐसा मुझे लगता है। अगर इसकी हिस्ट्री दिखाई गई ना, तो वरुणा ऑडियंस को बहुत ही अट्रैक्ट करेगी। इसके साथ ही काफी वक्त से ये भी कहा जा रहा था कि शायद क्रिश 4 में ना टाइम मशीन वाला कंसेप्ट भी दिखाया जाए, तो अगर टाइम मशीन के जरिए जादू रोहित से मिलने जाता है या फिर क्रिश जादू के प्लान पर जाता है, तो इसके साथ ही एक मल्टीवर्स का कंसेप्ट भी जन्म ले सकता है, जैसे एवेंजर्स की एंडगेम की बात हुआ था। लेकिन अगर इसमें हमारे माइथोलॉजिकल कंसेप्ट को ज्वाइन किया गया, तो ये हमारा खुद का कंसेप्ट बन जाएगा। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ग्रीक गॉड कहलाए जाने वाले ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्मों में फाइटर, वॉर 2 और क्रिश 4, इन्हें लेकर बड़ा एंटिसिपेशन दिखाई देता है। और फाइटर तो 2024 का शुभारंभ करने वाली है, वॉर 2 2025 में रिलीज होगी, पर क्रिश 4 का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ऋतिक का कहना है कि वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से स्टक हो चुके हैं, पर वो चाहते हैं कि फैंस प्रेयर करें कि जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसे क्रिश 4 अब 11 से 12 सालों बाद आ रही है, क्योंकि इसकी लास्ट फ्रेंचाइजी आई थी 2013 में, यानी कि क्रिश 3, और क्रिश 3 जो कुछ रीजंस की वजह से उतना असर नहीं डाल पाई, तो ऐसा क्रिश 4 के साथ ना हो ऐसी फैंस की डिमांड है। पहला रीजन है क्रिश का कॉस्ट्यूम, राकेश रोशन ऐसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को हायर करे जो इस इंडियन सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम को यूनिक तरीके से बनाए, ना कि हॉलीवुड सुपर हीरोज की तरह। तो ऐसा हो सकता है कि क्रिश 4 में हमें फ्यूचरिस्टिक ब्लैक सूट में क्रिश नजर आए, जिसका एक सुपर कूल मास्क होगा। अब जाहिर सी बात है कि टेक्निकल लेवल पर भी फिल्में काफी ग्रो कर रही है, और क्रिश 4 तो एक सुपर हीरो फिल्म होगी, ऐसे में उसका कॉस्ट्यूम तो बड़ा मायने रखता है, तो वो सिंपल सा तो नहीं हो सकता है ना, तो फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट्यूम तो बड़ा अच्छा आइडिया होगा जो क्रिश की पर्सनालिटी को सूट भी करेगा, क्योंकि बैटमैन की तरह बैट सूट देखकर फैंस ना बोर हो चुके हैं। सेकेंड रीजन है पुअर एग्जीक्यूशन। अब आजकल फिल्म का विलन कितना ज्यादा मायने रखता है ये तो हम सभी को पता है ना, तो सुपर हीरो फिल्म में तो विलन को लेकर बढ़िया कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब क्रिश 3 में विवेक ओबेरॉय ने काल का कैरेक्टर बहुत दमदार तरीके से निभाया था, पर वो कहीं ना कहीं एक्समैन सीरीज के मैग्नेटो कैरेक्टर से इंस्पायर्ड लग रहे थे, जहां पर कुछ ऑडियंस की नजर में वो उतना पावरफुल नहीं दिखा, और जाहिर सी बात है कंपैरिजन भी होगा, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट उसका स्कोप भी ना कम हो जाता है। तो बेसिकली क्रिश 4 में इंस्पिरेशन लेने से बेहतर है कि राकेश रोशन ओरिजिनल कैरेक्टर्स को क्रिएट करे, डेवलप करे। इतना ही नहीं, मिस्टिक कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड क्रिश 3 का कंगना रनौत कैरेक्टर, मतलब कि काया कैरेक्टर, जो कि इंस्पायर्ड नजर आया पर वेल एग्जीक्यूटेड नजर नहीं आया। अब हॉलीवुड फिल्मों से ऑडियंस बेखबर तो नहीं है, ऐसे में इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स दिखाना सही नहीं है, इससे अच्छा ये है कि हीरोइन हो या फिर विलन हो, कैरेक्टर्स ओरिजिनल हो। तो देखते हैं कि अब इस फिल्म में क्या चीज वो लोग चेंज करते हैं, कैसे एक नई स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं, उसमें कौन सी मैजिकल कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं। फिलहाल मेकर्स की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई मिल गया, जो क्रिश सीरीज की फर्स्ट फिल्म थी, उसमें हम रोहित के अंतरिक्ष से आए फैन से मिले, जो हमारा दोस्त भी बन गया, और जो है जादू,
और उसके बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी, जैसे कि धूप उसकी एनर्जी का सोर्स है और उसके पावर्स की वजह से रोहित ठीक हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो इतना ज्यादा जीनियस बन गया है कि वो तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी ना अब टक्कर दे सकता है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है। साथ ही इससे हम ये भी जानते हैं कि जादू जिसकी एनर्जी का सोर्स धूप है और अंधेरा होते ही उसकी एनर्जी कम हो जाती है या फिर उसके सुपर पावर्स काम नहीं करने लगते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि उसका प्लैनेट कुछ ऐसा होगा जहां पर हर वक्त धूप रहती ही होगी। और क्रिश्पो में हमें यह दिखाया जा सकता है कि उसके प्लैनेट पर किसी ने हमला कर दिया है और उनकी एनर्जी के सोर्स को यानी कि धूप को ही उन तक पहुंचने से रोक दिया है और इसलिए मुसीबत आ गई उनके प्लैनेट पर, इसलिए जादू और उसके लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो वो क्रिश की मदद मांगने के लिए आते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि जादू को रोहित और उसके दोस्तों की बातें भी ना समझ में आती थी, यानी कि वो ह्यूमन लैंग्वेज समझ पाता था। तो हो सकता है कि जब जादू और उसके साथी पृथ्वी पर आए थे तो वो ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में समझ कर ही आए होंगे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने अंदर ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर ली हो ताकि वो इंसानों की भाषा को समझ सके। लेकिन जादू और उसके साथियों के पृथ्वी पर आने के मकसद अभी भी क्लियर नहीं है। अगर वो लोग इतनी तैयारियां कर कर आए थे तो फिर चले क्यों गए? क्या वो इंसानों पर जासूसी करने के लिए आए थे और इसी वजह से अपने एक साथी को छोड़कर चले गए होंगे? लेकिन फिर जब रोहित ने जादू को सबसे बचाया तब उसे ये लगा कि इंसान अच्छे हैं और उसने अपने बाकी साथियों से भी कहा कि इंसान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने कोई हमला यहाँ पर नहीं किया। अब इस बात का जवाब भी हमें क्रिशपुर में ही मिलने वाला है अगर इस बार मेकर्स जादू पर फोकस करें तो, जो इस पूरी सीरीज का मेन फोकस कहा जा सकता है। इसके साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बार स्क्रीन टाइम का ज्यादा वक्त गानों में बर्बाद ना करके फिल्म की स्टोरी और एक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी में गाने हो या फिर नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन सिर्फ एक अच्छा और धमाकेदार टाइटल सॉन्ग चाहिए और एक थीम सॉन्ग चाहिए। अगर ये दोनों अच्छे हुए ना तो फिर फिल्म में किसी गाने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या क्रिश फ्रेंचाइज के बारे में कोई सोचता भी है आजकल? और क्या ये मूवी आज के ज़माने में चल पाएगी? सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर जादू को वापस लाया गया और क्रिश 3 में जिस तरह से मैन ऑफ स्टील का फाइट सीक्वेंस फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया गया था, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हिला कर रख दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्रिश 4 चल सकती है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि जादू इज़ बैक तो हर एक 90s किड ये मूवी देखने ज़रूर आएगा, यानी ऑडियंस ज़रूर आएगी। कोई मिल गया और क्रश, ये दोनों ही ऐसी फिल्में थी जो काफ़ी अच्छी तरह से लिखी गई थी और डायरेक्ट भी की गई थी। लेकिन जब खबरें ऐसी हैं कि राकेश रोशन क्रश 4 को डायरेक्ट नहीं करने वाले तो यही एक ऐसी शॉकिंग खबर है जो लोगों की एक्साइटमेंट को कम कर देती है। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल आता है कि VFX और CGI का, क्योंकि अगर ये दोनों ही टू दी पॉइंट नहीं हुए तो क्रश 4 कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी। हम सब जानते हैं कि एक साइंस फिक्शन मूवी में कितने हैवी VFX का इस्तेमाल किया जाता है और आजकल जो VFX के साथ हो रहा है, जिसका फ्रेश एग्जांपल है आदि पुरुष, जिसमें दी एवेंजर्स लिटिल क्रिश पर हावी पड़ने लगेंगे, तब क्रिश सोचेगा कि उसे उसके पापा यानी रोहित मेहरा की ज़रूरत है और इसलिए वो टाइम ट्रैवलर की मदद से रोहित के पास जाएगा और उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए रास्ता पूछेगा और उसे वापस लाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन हमने कई सारे कॉन्सेप्ट में ऐसा देखा है कि अगर पास्ट से कोई इंसान फ्यूचर में आता है तो फिर फ्यूचर का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए रोहित वापस तो नहीं आएगा लेकिन क्रिश उस टाइम ट्रैवलर के जरिए पास्ट में उसे मिलने जरूर। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। क्या एक इंडियन फिल्म के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर को लेना सही होगा? क्योंकि हमारी ऑडियंस का सोचने का तरीका और उनके साथ ही काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो हॉलीवुड और इंडियन मूवीज़ में अलग अलग होते हैं। साथ ही ऋतिक रोशन की एक फिल्म काइट्स को ब्रेट रैटनर ने डायरेक्ट किया था जो ऑडियंस को दोस्तों काफ़ी पसंद नहीं आई थी और इस फिल्म को जितना अच्छा रिस्पॉन्स स्टेटस में मिला था वैसा रिस्पॉन्स इंडिया में नहीं मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर पाई। इसलिए दोस्तों ऋतिक के फैंस को इसी बात की चिंता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि क्रिश 4 के साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी में हम सबके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। लेकिन वही लॉजिकली देखा जाए तो अगर हॉलीवुड के किसी ऐसे डायरेक्टर को लिया जाता है जो सुपर हीरो मूवीज़ के मामले में माहिर हो और जो हमारी इंडियन ऑडियंस को भी समझे और अगर उनके साथ राकेश रोशन मिलकर काम करे, जो दोस्तों इस वक्त डायरेक्शन से
संन्यास ले चुके हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्रिश 4 एक अच्छी फिल्म बनने वाली है, और खास तौर पर अलग हॉलीवुड डायरेक्टर फिल्म में कॉपी पेस्ट ना करे और देसी वाइब देने में सफल रहे तो ये फिल्म अच्छी बनने वाली है। इसके साथ ही फैंस को एक और बात की भी चिंता है कि इस बार का प्लॉट क्या होने वाला है, क्योंकि अगर इस बार भी कॉपी पेस्ट किया गया तो फिल्म नहीं चलने वाली है। इसकी जगह अगर फिल्म की स्टोरी ओरिजिनल हुई और ऐसी हुई जिससे क्रिश को अगर एक यूनिवर्स में कन्वर्ट करना हो तो किया जा सके, और अगर इसमें किसी और को सुपर हीरो की भी एंट्री होती है दोस्तों और उनका एक स्क्वाड बनता है तो ये भी काफी अच्छा प्लॉट होगा, जिसमें अलग अलग सुपर हीरोज होंगे जो क्रिश का साथ देंगे और उनके अलग अलग सुपर पावर्स भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि एक यूनिवर्स सिर्फ एक हीरो से नहीं बनता, उसमें अलग अलग किरदारों की जरूरत होती है जो एक दूसरे की भी मदद करते हैं और सबसे बड़े एनिमी का सामना मिलकर करते हैं। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि अगर क्रिश का यूनिवर्स बन रहा है तो उसमें अलग अलग हीरो और विलन दोनों की एंट्री कराई जाए। तो आपके हिसाब से किस तरह के सुपर हीरोज की एंट्री होनी चाहिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। क्या एक इंडियन फिल्म के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर को लेना सही होगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस का सोचने का तरीका और उनके साथ ही काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो हॉलीवुड और इंडियन मूवीज में अलग अलग होते हैं। साथ ही ऋतिक रोशन की एक फिल्म काइट्स को ब्रेट रैटनर ने डायरेक्ट किया था, जो ऑडियंस को दोस्तों काफ़ी पसंद नहीं आई थी, और इस फिल्म को जितना अच्छा रिस्पॉन्स स्टेटस में मिला था वैसा रिस्पॉन्स इंडिया में नहीं मिला, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर पाई। इसलिए दोस्तों ऋतिक के फैंस को इसी बात की चिंता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि क्रिश 4 के साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी में हम सबके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। लेकिन वही लॉजिकली देखा जाए तो अगर हॉलीवुड के किसी ऐसे डायरेक्टर को लिया जाता है जो सुपर हीरो मूवीज के मामले में माहिर हो और जो हमारी इंडियन ऑडियंस को भी समझे, और अगर उनके साथ राकेश रोशन मिलकर काम करें जो दोस्तों इस वक्त डायरेक्शन से संन्यास ले चुके हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्रिश 4 एक अच्छी फिल्म बनने वाली है, और खास तौर पर अलग हॉलीवुड डायरेक्टर फिल्म में कॉपी पेस्ट ना करे और देसी वाइब देने में सफल रहे तो ये फिल्म अच्छी बनने वाली है। इसके साथ ही फैंस को एक और बात की भी चिंता है कि इस बार का प्लॉट क्या होने वाला है, क्योंकि अगर इस बार भी कॉपी पेस्ट किया गया तो फिल्म नहीं चलने वाली है। इसकी जगह अगर फिल्म की स्टोरी ओरिजिनल हुई और ऐसी हुई जिससे क्रिश को अगर एक यूनिवर्स में कन्वर्ट करना हो तो किया जा सके, और अगर इसमें किसी और को सुपर हीरो की भी एंट्री होती है दोस्तों और उनका एक स्क्वाड बनता है तो ये भी काफी अच्छा प्लॉट होगा, जिसमें अलग अलग सुपर हीरोज होंगे जो क्रिश का साथ देंगे और उनके अलग अलग सुपर पावर्स भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि एक यूनिवर्स सिर्फ एक हीरो से नहीं बनता, उसमें अलग अलग किरदारों की जरूरत होती है जो एक दूसरे की भी मदद करते हैं और सबसे बड़े एनिमी का सामना मिलकर करते हैं। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि अगर क्रिश का यूनिवर्स बन रहा है तो उसमें अलग अलग हीरो और विलन दोनों की एंट्री कराई जाए। तो आपके हिसाब से किस तरह के सुपर हीरोज की एंट्री होनी चाहिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 को लेकर ऋतिक ने सोशल मीडिया पर कहा था, द पास्ट इज डन, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि क्रिश की लास्ट फ्रेंचाइजी का चैप्टर खत्म हो चुका है और फ्यूचर में कुछ नई चीजें होने वाली है, यानी क्रिश 4 नई कहानी के साथ आएगी, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं वो। वैसे एक तरफ उनका ये पोस्ट है पर दूसरी तरफ ये कहा गया है कि क्रिश 4 कोई मिल गया और क्रिश का कॉम्बिनेशन लेकर आएगी, और कोई मिल गया का जादू भी वापस आने वाला है, वही जादू जो कोई मिल गया का यूएसपी था। इसका मतलब क्रिश फ्रेंचाइजी का जो मेन कैरेक्टर है रोहित मेहरा और उसका खास दोस्त यानी कि जादू नाम का एलियन, उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली है, उनकी कहानी तो कंटिन्यू होगी, और जादू को लाने के लिए इस बार टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल किया जाएगा। टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट इसलिए इम्प्लीमेंट हो सकता है क्योंकि जादू को वापस लाना है, और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सुपर हीरो फिल्मों में साइंस फिक्शन एलिमेंट बढ़िया रोल प्ले करता है, एक इंटरेस्टिंग फन एलिमेंट ऐड कर देता है। इसका मतलब कि प्रेजेंट में रह के पास्ट या फिर फ्यूचर की कहानी हमें इस फिल्म में दिखाई जाएगी, पर यहाँ पर टाइम ट्रेवल पास्ट में जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि फ्यूचर में, जिस तरह से एवेंजर्स एंडगेम में किया गया था। फिल्म क्रिश 4 की कहानी और ये टाइम ट्रेवल वाली बात पर गौर करते हुए ये भी लगता है ना कि फिल्म एवेंजर्स को फॉलो करने वाली है। ये कहा जा सकता है कि राकेश रोशन में भी मार्वल यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स एंडगेम की राह पर जा रहे होंगे, जिसमें थानोस के जरिए किए गए विनाश या तबाही को रिवर्ट बैक करने के लिए इनफिनाइट यानी कि अनगिनत पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए अतीत में वापस जाते हैं। पता नहीं पर क्रिश 4 में रोहित और जादू पर खास फोकस किया जाएगा, जैसे कोई मिल गया में किया गया था, और कोई मिल गया का जो क्लाइमैक्स था उसमें ये दिखाया गया था कि पहले रोहित की सारी सुपर पावर्स निकल जाती है, पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स है।
तो वैसे ही सुपर पावर्स इस बार भी उसे मिले और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जादू को मिल जाएगा। वैसे राकेश रोशन ने ये भी कहा था ना कि वो 3 साल से स्पर्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अब उनके स्क्रिप्ट में उन्होंने ऐसा क्या क्या ऐड किया है जो इस बार क्रिश 4 लाने में इतनी देरी लग रही है वो तो भाई वही जाने। पर फ्रेंड्स स्पर्म का ना बेसब्री से इंतजार हम तो कर रहे हैं, तो चलते चलते कोई भी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए ना, तो हमें जो एक्साइटमेंट है ना उसे बढ़ाने का एक मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जरूर बताएं। आज की मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे। कायनात में वेलकम। कैसे पढ़ा क्रिश 4 का टाइटल? कौन होगी क्रिश 4 में लीड एक्ट्रेस? कौन लगाएगा फिल्म में कॉमेडी का तड़का? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की खास पेशकश में, जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्म क्रिश 4 को लेकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ हर साल कई फिल्में बनती हैं। कुछ सुपरहिट होती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसे में कम ही फिल्में हैं जो ऑडियंस के दिल में सालों साल जगह बना पाती हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक रोशन की क्रिश मूवी। बात करें क्रिश मूवी की तो क्रिश मूवी को रिलीज हुए 15 साल हो गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर की ही, इसके साथ बॉलीवुड की सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म के बाद सुपर हीरो क्रिश ऐसा मशहूर हुआ कि इस फिल्म का चौथा पार्ट भी आने जा रहा है। फिल्म के एक्शन सीन से लेकर रोमांटिक सीन तक सब कुछ ब्लॉकबस्टर रहा। आलम यह तक था कि क्रिश भारत का वो सुपर हीरो बन गया जिसके मास्क से लेकर टी शर्ट और कॉस्ट्यूम की अपनी मार्केट हो गयी। क्रिश ऋतिक रोशन की सबसे सफल फिल्मों में से एक है और हो भी क्यों ना, इसके लिए ना सिर्फ मेकर्स ने जी तोड़ मेहनत की थी बल्कि इसके कास्ट और क्रू मेंबर ने भी जबरदस्त मेहनत की थी। वहीं अगर बात क्रिश की कास्टिंग की करे तो एतराज के दौरान राकेश रोशन ने प्रियंका चोपड़ा को देखा तो उन्हें क्रिश में लेने का मन बना लिया था। हमने सभी वीडियो में क्रिश फैक्ट की बात की है, लेकिन क्रिश का नाम और टाइटल कैसे बना यह हमने कभी आपको बताया नहीं। तो आज आपको बता दें, फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन की कई फिल्मों की तरह इस फिल्म का नाम भी के से रखा जाना था, इसी के चलते इस फिल्म का नाम पड़ा क्रिश और मिला हमें क्रिश नाम का एक सुपर हीरो। लेकिन बता दें, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इसका नाम रखा गया कोई तुमसा नहीं। इसके बाद फिल्म का टाइटल बना कैसा जादू किया और अंत में इसे क्रिश नाम दिया गया। तब से इस फिल्म की फ्रेंचाइज चल रही है। इस फ्रेंचाइज में एक और पार्ट मिलने जा रहा है जो है क्रिश 4। इसमें अब की बार राजकुमार यादव भी दिखने वाले हैं। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्रश 4 जैसी पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो देखो क्रश, काश पापा यहाँ वो यही है। मैंने हमारी बेटी का नाम रोहित रखा।
कैसे होगी जादू की वापसी, क्या खासियत होगी क्रिश 4 के सुपर विलन में, किन दो हीरोइंस के बीच कंफ्यूज है डायरेक्टर राकेश रोशन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जादू जाएगा जादू भी चला जाएगा, ये थे हम सभी के प्यारे और दुलारे एलियन जादू की आखिरी बोली, जब वो रोहित मेहरा को छोड़कर अपने प्लैनेट पर वापस जा रहे होते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद भी रोहित के पास जादू द्वारा दी गई शक्तियां रह जाती हैं और फिर देश को मिलता है अपना पहला सुपर हीरो 2006 में क्रिश के रूप में, जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको एंटरटेन किया अपनी खास सुपर पावर से। और अब 2021 के जाते जाते क्रिश ने एक बार फिर अपने फैंस को खुशखबरी दी है कि वो लौट रहे हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने पिता के दोस्त के साथ वापस आ रहे हैं। जी हाँ, हम भी आपकी तरह काफी एक्साइटेड हो उठे थे जब हमने भी सुना कि जादू की अर्थ पर वापसी हो रही है। वही सोचिए क्या होगा अगर पीके यानी आमिर खान ही कोई मिल गया का जादू हो, जो इस बार वो भेष बदल कर इंसानों के बीच रहने आया हो। अब हमने तो कभी असली का ना तो UFO देखा है और ना ही कभी एलियन देखा है, क्या मालूम एलियंस के पास रूप बदलने की शक्ति हो, या क्या पता वो एक हाइब्रिड स्पीशीज हो जो हमारी और आपकी की तरह हो, बस उनकी ऋतिक रोशन की तरह कुछ एक्स्ट्रा या कम उंगलियां हो। वही हर स्पेसशिप से जुड़ा एक रिमोट होता है जिसके थ्रू ये एलियन अपना वेकेशन एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर मनाते नजर आते हैं। वहीं कोई मिल गया में जिस तरह जादू धरती पर ही छूट गया था, उससे तो यही लगता है कि एलियंस की स्पेसशिप की मैनेजमेंट भी विस्तारा और एयर इंडिया वालों से अच्छी नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे जादू का जादू रोहित मेहरा से उसके बेटे कृष्णा में ट्रांसफर तो हो गया। तो कृष्णा ने पूरी कोशिश की वो एक हैंडसम सुपरमैन प्लस बैटमैन का कॉम्बो बनकर भारतीय जनता को इंप्रेस कर सके, और यकीनन उनका ब्लैक केप, ब्लैक मास्क और ग्रीन आईज ने सबका दिल जीत लिया। मजे की बात यह है कि क्रिश द्वारा पहना गया वो मास्क मोम यानी वैक्स का बना हुआ है, और अक्सर शूटिंग के दौरान वो पिघल जाया करता था, जिस वजह से ऋतिक के लिए करीबन 300 से 400 मास्क बनवाए गए। क्रिश और क्रिश 3 को याद करें तो दर्शकों को डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश में कृष्णा की सुपर पावर से मिलवाया था कि वो उड़कर हीरोइन को बचा सकता है और एरोप्लेन को भी रोक सकता है, बहती नदी से मछलियां पकड़ सकता है और तो और हाई जंप्स लगाकर एक नदी को पार कर सकता है। वहीं फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को क्रिश के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया, तो क्रिश 3 की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहली बार सुपर हीरो के सामने सुपर विलन काल को पेश किया गया, जिसकी भूमिका में विवेक ओबेरॉय ने उम्दा काम किया था। फिल्म में काल के हाइब्रिड क्रिएचर्स जैसे काया, जो एक्समैन की रेवन से इंस्पायर्ड थी और जो अपना रूप बदल सकती थी, साथ ही फिल्म में एक एंटमैन भी था। ऐसे ही काल के साथ उसके कई हाइब्रिड क्रिएचर्स थे, लेकिन अंत में जीत हमारे क्रिश की ही हुई। अब वही क्रिश 4 में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। इस बार फिल्म को हॉलीवुड की मशहूर फिल्म बैक टू द फ्यूचर से मिलता जुलता दिखाया जाएगा, जहां क्रिश जादू से मिलने पास्ट में जाएगा और सबसे छुपते छिपाते उसको प्रेजेंट में ले आएगा। इसके पीछे भी क्रिश का एक मकसद है। वहीं हो सकता है इसी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंफ्यूजन में हम भी कंफ्यूज हो जाएं कि असली क्रिश कौन है। रोहित और जादू की बॉन्डिंग एक बार फिर फिल्म में देखने को मिल सकती है। वहीं जादू क्रिश के एक टच से उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री देख लेगा एकदम पीके की तरह। क्रिश 3 की एंडिंग में हमने कृष्णा के बेटे को देखा था जिसके पास भी सुपर पावर्स हैं। वाह, हॉलीवुड तो अलग अलग सुपर हीरोज बना रहा है। वहीं मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्या क्रिश 4 को लेकर राकेश रोशन ने अपनी चुप्पी तोड़ी, क्या कहा नवाजुद्दीन, चाहे वो उनका हेयर स्टाइल हो, यहाँ तक कि उनका ब्लैक मास्क भी ट्रेंड में शामिल हो गया था। क्रिश फ्रेंचाइजी की सफलता के साथ निर्माता चौथी किश्त की योजना बना रहे हैं और प्रशंसक अपने सुपर हीरो की वापसी को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हीरो के साथ साथ इस बार विलन्स की क्या सुपर पावर्स होंगी। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। अगर
आखिर कैसे चल रही है क्रिश 4 की तैयारी? क्या कहा राकेश रोशन ने फिल्म के म्यूजिक को लेकर और किससे टकराएगा क्रिश 2023 में? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड के हमारे अपने ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, है के दोस्तों। कौन होने वाला है फिल्म क्रिश? तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को। वाली है प्रियंका चोपड़ा, ये बात तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या क्रिश 4 कहाँ शूट हुई है या कहाँ शूट होने वाली है, तो ये भी जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। वैसे क्रिश की बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है, पर उन्हें इस बात की जरूर खुशी है कि राकेश रोशन को उनका काम पसंद आया था और उनकी ये बहुत इच्छा है कि राकेश रोशन के साथ वो काम भी करें, हालांकि वो इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें, अमृता राव ने कुछ ऐसी फिल्म जैसे कि इश्क इश्क, विवाह, मैं हूं ना, लाइफ हो तो ऐसी ऐसी कई सारी शानदार फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रूप में दिखाई पड़ी है। उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन अब जब क्रिश 4 इतनी चर्चा में है तो उसका अनाउंसमेंट हम आपको बता ही देते हैं। क्रिश 4 के मेन लीड एक्टर, जिनका अनाउंसमेंट बहुत पहले ही हो चुका था, जो कि ऋतिक रोशन ही होने वाले हैं, अब उनके साथ फीमेल लीड में हमें दिखने वाली है अमृता राव। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक बार फिर से अपनी केमिस्ट्री जमाने की कोशिश करने वाले हैं। होपफुली इस बार उनकी केमिस्ट्री जम जाए और जैसी उनको फिल्म में चाहिए वैसे ही कुछ अच्छी सी केमिस्ट्री मिले उनको। अगर आप एक्साइटेड हैं पहली बार ऋतिक रोशन और अमृता राव को साथ में देखने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि बॉलीवुड की कोई भी अपडेट्स आपसे जल्द से जल्द पहुँच पाए और आपसे मिस भी ना हो पाए। जादू से उसका
का सबसे बड़ा चैन। क्या वाकई क्रिश 4 से वापसी करेगा इंडिया का सबसे चहीता एलियन? क्रिश 4 के लिए लोगों की एक्साइटमेंट संभाले नहीं संभल रही। इसके कई कारण है। सुपर डैशिंग ऋतिक का इसमें होना, क्रिश 3 से फिल्म का स्टार अलग लेवल पर पहुंच जाना, टाइम ट्रैवल की खबरें, फिल्म में सुपर वुमन की होने की खबरें और सबसे स्पेशल फिल्म में हम सबके चहेते जादू की वापसी, जो कि एक बार फिर धूप खा खा कर विलन्स को बैंड बजाने के लिए तैयार है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही हर तरफ जादू के चर्चे होने शुरू हो गए हैं। इसमें कई जगह पर हमने जादू को हिंदी सिनेमा का फर्स्ट एलियन कहा जाता सुना है। तो क्या वाकई जादू हिंदी सिनेमा का फर्स्ट एलियन है या फिर सिर्फ फर्स्ट पॉपुलर हिंदी एलियन है? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जादू हिंदी सिनेमा का पहला एलियन नहीं है। इस ब्लू फेस्ड येलो कोट वाले क्यूटी से पहले भी हिंदी सिनेमा में एलियंस देखे जा चुके हैं, वो भी इस फिल्म की रिलीज के 34 साल पहले, साल 1967 में, जब एनियन सारी की हिंदी साइंस फिक्शन फिल्म वहाँ के लोग रिलीज हुई थी। हालांकि ये एलियंस इतने फ्रेंडली नहीं थे और थोड़े लालची भी थे, जिन्हें धूप की जगह अमीरों के हीरो में दिलचस्पी थी। और ये तो इतने बिजनेस माइंडेड थे कि अपनी इस दिलचस्पी को पाने के लिए अर्थ के विलेन से ही हाथ मिला बैठे थे। वो बात अलग है कि इंसानों की 5 उंगलियों के सामने इन्हें अपनी 3 उंगलियों से ही काम चलाना पड़ा, लेकिन पार्टनरशिप काफी अच्छी तैयार हुई थी। कुछ समझ आया? नहीं ना। दरअसल ये फिल्म एक साइंस फिक्शन थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा थी, जिसमें मार्स यानी वहाँ के लोगों ने अर्थ के विलेन्स के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की प्लानिंग कर ली थी। फिल्म में अमीरों के हीरे और कुछ साइंटिस्ट के गायब होने की खबरें दिखाई जाती है। इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी राकेश, जिनका रोल प्रदीप कुमार ने निभाया है, और ब्लू बर्ड बने जॉनी वॉकर को मिलती है, जो हेल्प के लिए प्रोफेसर चक्रवर्ती के पास जाते हैं, जिनका रोल खुद अंसारी निभा रहे हैं। चक्रवर्ती ने वहाँ के लोगों को ट्रैक करने की एक मशीन बनाई होती है और इसके बाद शुरू होती है एक मिस्ट्री रिजॉल्विंग चेज, जिसमें कई फन और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म इतनी ही दिलचस्प थी तो अनफॉरगेटेबल क्यों नहीं बन पाई? इसका कारण है फिल्म का लो बजट और डायरेक्टर की वो गुस्ताखी, जिसके कारण उन्होंने फिल्म में हीरो को विलेन को हराते हुए नहीं दिखाया। वो बात अलग है कि आज भी इस फिल्म की कैरेक्टर्स को कोई मिल गया कैरेक्टर से ज्यादा डायनेमिक और रियल माना जाता है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने ये फिल्म देखी है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी है। हमें ये बात कैसे पता चलती है कि ऋतिक रोशन वाकई में एक बेहद ही नेक इंसान है, और कैसे एक के लिए मास्क और साथ ही साथ में सैनिटाइजर मेन प्रायोरिटी था? तो वहीं पर ऋतिक रोशन ने आई लव मुंबई फाउंडेशन के साथ मिलकर फ्रंटलाइनर वर्कर्स तक ये बात पहुंचाई कि उनको अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ में उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर भी उन लोगों तक प्रोवाइड करवाए। अगर बात करें ऋतिक रोशन ने लोगों को जागरूक करने की, भारत में सोशल मीडिया और शेयर और करें बॉलीग्राड स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप जुड़े रहें फिल्मी जगत से। तो क्रिश 4 क्लिफहैंगर कॉन्सेप्ट को किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकती है? क्या क्रिश 4 में ऋतिक रोशन का ट्रिपल रोल होने जा रहा है? दोस्तों, पिछले डिकेड्स में हमने फ्रेंचाइज फॉर्मूला की सर्च देखी है। फिल्म मेकर्स अपनी स्टोरीज को एटलीस्ट 2 पार्ट्स में प्लान कर रहे हैं, जिसे एक तो लिमिटेड टाइम में स्टोरी को स्टार्ट और कंक्लूड करने का प्रेशर नहीं होता, और ऊपर से क्लिफ हैंगर कॉन्सेप्ट का अगर सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो डिलेड सस्पेंस स्टोरी के अराउंड हाइप को क्रिएट करने में ग्रेटली हेल्प करता है, और इससे अल्टीमेटली मेकर्स को ही फायदा होता है। इसी का प्राइम एग्जांपल रही थी बाहुबली फ्रेंचाइज। दोस्तों, KGF और अब इसके बाद तो हर बड़ी फिल्म अपनी स्टोरी को शुरू से ही फ्रेंचाइज में तब्दील करने पर एम करती हुई दिख रही है, जैसे गणपत चैप्टर 1 या फिर सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 और 5। तो कैसे क्रिश फ्रेंचाइज भी इस क्लिफ हैंगर कॉन्सेप्ट को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। इमेजिन अगर बाहुबली सीरीज में सिंपल वे में पहले बाहुबली की मौत दिखा दी जाती और सेकेंड पार्ट में उसके बेटे का प्रतिघात, तो क्या इस फिल्म को इतनी हाइप मिल पाती जितनी सस्पेंस डिले करके मिली? शायद नहीं। और तभी इसे एक बर्निंग क्वेश्चन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तक बड़ी क्लेवरली डिले किया SS राजामौली ने, जिससे सेकेंड पार्ट के लिए लोगों में हाइप और सस्पेंस का नतीजा इसकी मैसिव सक्सेस में मिला।
शायद इसी कंसेप्ट को बॉलीवुड भी समझ चुका। दोस्तों क्रिश 4 एंड 5 के पास इतनी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं, जिसको लेके मेकर्स बड़े इंटरेस्टिंग वे में क्रूशियल डिटेल्स सेकंड पार्ट के लिए डिले कर सकते हैं। इससे पहले जान लेते हैं ब्रीफ प्लॉट को। तो क्रिश 4 एंड 5 में ब्रॉडली होंगे काफी सारे विलन्स, जिनसे लड़ने के लिए क्रिश करेंगे टाइम ट्रैवल और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, और वापसी करेंगे जादू और रोहित मेहरा की। बस दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद ये तीन की तिगड़ी विलन्स की बैंड बजाएगी एज यूजुअल। अब दोस्तों इन्हीं कॉन्सेप्ट में क्लिफ हैंगर एस्पेक्ट की बात करें, तो फोर्थ पार्ट में डायरेक्टली डेडली विलन्स का आतंक, उनसे लड़ने में क्रिश असक्षम, टाइम ट्रैवल करने का जुगाड़, जादू और रोहित मेहरा को वापस लाने का प्लान, और टाइम ट्रैवल में पॉसिबली ट्रैप होने की स्टोरी तक दिखाई जा सकती है। इसके बाद सेकंड चैप्टर के लिए उन विलन्स की ओरिजिन, जादू और रोहित मेहरा की वापसी का इम्पैक्ट, और फाइनली क्रिश वर्सेज विलन्स का डेडली फेस ऑफ काफी इंटरेस्टिंगली कवर किया जा सकता है। अब दोस्तों मे बी एंडिंग से स्टार्ट करके मेकर्स इसे और भी सस्पेंसफुल बना सकते हैं। बात करें फिल्म में ऋतिक के रोल की, तो कयास लग रहे हैं कि इनका फिल्म में ट्रिपल रोल होने वाला है। एक तो क्रिश का रोल, एक रोहित मेहरा का रोल, और इसके अलावा बताया जा रहा है कियारा आडवाणी के साथ इनका रोल अलग से होगा, जो कि क्रिश के रोल से सेपरेट होने जा रहा है। अब दोस्तों इस हिसाब से देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कियारा और ऋतिक का ये न्यू इक्वेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। वीडियो में बस इतना ही यार। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारे आज के राइटर हैं पंकज। आ रही है ऋतिक रोशन की क्रिश 4। प्रियंका चोपड़ा नहीं तो उनसे पहले कौन सी एक्ट्रेस को इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा था? क्या होने वाली है क्रिश 4 की खास बातें, और क्रिश 4 में कौन सी एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों भारत का पहला सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी में है। क्रिश फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म का इसके प्रशंसक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्रिश 3 के रिलीज होने के बाद से ही इस खबर का इंतजार है कि इसके निर्माता कब इसके अगले भाग की घोषणा करेंगे। प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश सुपर हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांस करते नजर आए थे। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिश में पहले फीमेल लीड की पसंद प्रियंका नहीं थी बल्कि कोई एक्ट्रेस थी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और एक्ट्रेस थी, मैं हूं ना वाली अमृता राव। अमृता राव ने खुद इस बारे में खुलासा किया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये फिल्म क्यों छोड़ी। दरअसल उन्होंने कहा कि ऋतिक और उनकी केमिस्ट्री खास नहीं जम रही थी। उन्होंने इसके लिए फोटोशूट तक कराया था, लेकिन अमृता ने कहा कि वो ऋतिक से काफी छोटी नजर आ रही थी। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिंदगी में वही मिलता है जो आपकी किस्मत में लिखा रहता है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का नाम इस फिल्म से जुड़ चुका है। वो अपनी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। Z5 ओरिजिनल में रोम कॉम वर्जन भानुप्रिया उनकी आने वाली है, जहां उन्होंने प्यारी शर्मीली भानुप्रिया का मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं उर्वशी रौतेला को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फैंस झूम उठेंगे, क्योंकि क्रिश 4 में बहुत ही अहम भूमिका उनकी होने वाली है। इस लिस्ट में पहले कियारा का नाम भी आ रहा था, कृति का नाम भी आ रहा था, लेकिन उर्वशी ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। साथ ही इसमें दीपिका पादुकोण भी होने वाली है। उर्वशी रौतेला को निर्माताओं द्वारा एक भाग के लिए संपर्क भी किया गया है, क्योंकि उन्हें फिल्म वर्जन भानुप्रिया और सारा जमाना हसीनों का दीवाना से बहुत पसंद किया गया है। और उर्वशी रौतेला की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो ब्लैक रोज और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो नजर आ सकती हैं। बहुत खूबसूरत एक्टर। और अगर ऋतिक के अपोजिट उन्हें साइन किया जाता है, दोनों की केमिस्ट्री भी खूब जमेगी। तो दोस्तों आपको क्रिश 4 का कितना वेट हो रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब। आज हम एक ऐसी मूवी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंडियन सिनेमा में सुपर हीरोज को हरी झंडी दी। आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो वो हॉलीवुड के फेमस सुपर हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और एवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएंगे। मगर जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना है तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आएगा, और वो है क्रिश। तो सही समझे आप,
आज हम बात करेंगे राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड फेमस सुपर हीरो सीरीज क्रिश की, जिसमें अब तक टोटल 3 फिल्म्स बन चुकी हैं, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। जहां फिल्म कोई मिल गया में रोहित मेहरा को एक एलियन द्वारा ना जाने कितनी ही शक्तियां मिलती हैं, वहीं क्रिश मूवी में उनके बेटे कृष्णा को वरदान में वो शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से सबकी भलाई करता है। तो वहीं क्रिश 3 में इस मूवी के लेवल को बिल्कुल ही एक नई ऊंचाई दे दी गई है, जहां पे हमारे सुपर हीरो के खिलाफ थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर विलन और उसमें बहुत ही ज्यादा कमाल के एक्शन सीन्स थे जो कि अब तक बॉलीवुड में नहीं देखने को मिले थे। डायरेक्टर राकेश रोशन के दिमाग में क्रिश 4 का कंसेप्ट बिल्कुल तैयार है और वो इस मूवी को बनाने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। और रही बात हमारे हीरो क्रिश की, तो हमने देखा ही है कि समय के साथ साथ क्रिश की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ती हैं। जहां क्रिश मूवी में वो ऊंची छलांग लगा सकते थे और काफी तेज रफ्तार थी उनमें, तो वहीं क्रिश 3 में उनमें बे इंतहा ताकत और उड़ने की शक्तियां भी आ गई थी। तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिश 4 में हमारे हीरो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसके पास कैसी शक्तियां आएंगी और कहीं ना कहीं शायद उनमें लेजर पावर भी आ सकता है, क्योंकि क्रिश 3 में उन्हें सूरज की रोशनी से काफी ताकत मिली थी। अब क्रिश के विलन की बात करें तो सुपर हीरो मूवी का विलन भी सुपर विलन ही होगा। अब ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि कैसे राकेश रोशन क्रिश के सामने एक ऐसी ताकतवर विलन लाएंगे जो कि क्रिश को कड़ी टक्कर दे सके। इसके साथ अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक के लिए आपके अकॉर्डिंग क्रिश के पास कौन सी न्यू पावर्स आ सकती हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा, सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। रोशन ने अपनी फिल्म वॉर के बाद किसी बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की है? क्या क्रिश 4 में ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो फ्रेंचाइज के बारे में। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आज हम बात करेंगे क्रिश फ्रेंचाइज की मूवीज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले दिनों में क्रिश 4 पर काम जल्दी शुरू होने वाला है, तो चलिए आज इसी पर कुछ खास चर्चा करते हैं। क्रिश फ्रेंचाइज एक सुपर हीरो सीरीज थी जिसके पहले पार्ट को रिलीज किया गया था 2003 में और इस फिल्म का नाम था कोई मिल गया। दोस्तों, इस पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे राकेश रोशन और इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने अहम किरदार निभाया था। कोई मिल गया सुपर हिट फिल्म बनी और इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर भी धाकड़ कमाई की थी। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन का ये मानना है कि क्रिश 4 उससे भी बड़ी हिट मूवी साबित होने वाली है, इसी वजह से क्रिश 4 के बजट को दुगुना कर दिया गया है। क्रिश फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म में हमें कुछ पुराने और कुछ नए किरदार नजर आ सकते हैं। साथ ही फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर रॉबिन भट्ट ने कहा कि इस पिक्चर में ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल निभाते हुए दिखेंगे। साथ ही फिल्म में रोहित और जादू की एक बार फिर से वापसी होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिश 3 में रोहित की मौत हो गई थी, लेकिन क्रिश 4 में एक बार फिर से उनकी वापसी को दिखाया जाएगा और इस बार रोहित का कैरेक्टर पहले के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट होने वाला है। हालांकि अभी हमें इतना नहीं पता है कि रोहित की वापसी आखिर होगी कैसे, क्या ऋतिक रोशन स्पेस तक जाएंगे अपने पिता को वापस लाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर रोहित की वापसी धरती पर होती है तो उनके साथ जादू की भी वापसी होगी। कैसी होगी फिल्म की ओवरऑल स्टोरी लाइन, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्रिश 4 हाई ग्राफिक्स के साथ रिलीज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर में सुपर हीरो के साथ सुपर हीरोइन भी नजर आ सकती है।
एक तरफ जहां मेन लीड का किरदार निभा रहे हैं ऋतिक रोशन, तो वही फीमेल लीड में आपको कियारा आडवाणी इस पिक्चर में दिख सकती हैं। जो लोग भी प्रियंका चोपड़ा के फैन हैं उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी आपको एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की बात करें तो क्रिश 4 में ऋतिक रोशन तीन किरदार निभा सकते हैं। जी हाँ, सुपर हीरो और सुपर विलन के तौर पर ऋतिक रोशन नजर आएंगे। ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अपनी ही फिल्म में एक तरफ ऋतिक रोशन सुपर विलन और सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पिक्चर में सुपर विलन का किरदार जो होने वाला है वो काफी स्ट्रांग होगा, और इसीलिए राकेश रोशन ने US से कुछ मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है। क्रिश 4 यूं तो 2021 में ही रिलीज होने वाली थी, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग ऑलरेडी बहुत पहले खत्म की जा चुकी थी, लेकिन COVID-19 के चलते ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं आने वाले दिनों में जल्द ही क्रिश 4 की शूटिंग शुरू हो सकती है और इस फिल्म को 2022 में रिलीज करने की तैयारी है। शुरुआत के दिनों में ये र्यूमर्स भी काफी चल रहा था कि क्रिश 4 का डायरेक्शन राकेश रोशन नहीं बल्कि संजय गुप्ता करने वाले हैं। वैसे राकेश रोशन ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट राइटिंग उन दोनों ने मिलकर की है, लेकिन इस फिल्म का डायरेक्शन वो अकेले करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश 4 में हमें कुछ जबरदस्त एक्शन सीन्स और थ्रिल्स देखने को मिल सकते हैं, जो अभी तक बॉलीवुड की किसी फिल्म में हमें देखने को नहीं मिला है। दोस्तों आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक। काइनेटिक्स के अलावा बाकी की पावर्स काल को कैसे मिली? आखिर क्यों क्रिश ने म्यूटेंट्स को आसानी से हराया लेकिन वो काल से हार गए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऑफिशियल सुपर हीरो क्रिश के बारे में। डायरेक्टर राकेश रोशन ने सिंगल हैंडेडली अपनी यूनिट के साथ मिलकर इंडिया की सबसे पहली और सबसे शानदार सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश तैयार की। राकेश रोशन की काफी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बिल्कुल बॉलीवुड फ्रेंचाइजी की तरह राकेश ने क्रिश फ्रेंचाइजी में भी बहुत ही शानदार डिटेलिंग की है। मूवी का एक बहुत ही बड़ा ग्लिच, कही जाने वाली थ्योरी जिस पे फैंस ने काफी सवाल उठाए थे, जो कि ये थी कि काल को अपनी टेलीकाइनेटिक्स की पावर रोहित मेहरा से ही मिली है, और वहीं क्रिश को भी अपनी सभी शक्तियाँ रोहित मेहरा से ही मिली है, और इसके बावजूद भी क्रिश के पास काल जैसी टेलीकाइनेटिक्स पावर्स नहीं है। कोई मिल गया मूवी में डायरेक्टर राकेश रोशन ने बखूबी दिखाया है कि जादू के पास टेलीकाइनेटिक्स पावर भी थी, और उसने अपनी सभी शक्तियों के साथ वो शक्ति भी रोहित मेहरा को ट्रांसफर की थी, तो वही रोहित से ये शक्ति पास ऑन हुई क्रिश और काल के पास। लेकिन टेलीकाइनेटिक्स सिर्फ काल यूज कर सकता था, और जब काल रोहित की बोन मैरो से वो ठीक हुआ उसके बाद तो वो काल के पास और भी ज्यादा पावर्स आ गई, इवन कि वो उड़ भी सकता था। वहीं दूसरी तरफ क्रिश के पास सिर्फ स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड थी, जिनसे वो काल से टक्कर बिल्कुल भी नहीं ले पाया। एक हेड ऑन बैटल में जब क्रिश और काल पहली बार एक दूसरे से लड़े थे, तब काल ने क्रिश को बहुत ही आसानी से ओवरशैडो कर दिया था, और क्रिश काफी आसानी से काल से हार गए थे। वहीं अगर काल की म्यूटेंट्स की बात करें तो उन लोगों को क्रिश ने काफी आसानी से हरा दिया था। यहाँ तक कि जब सबसे पहली बार क्रिश ने उनका सामना हुआ था, तब क्रिश ने तीन तीन म्यूटेंट्स को एक साथ ही हरा दिया था, लेकिन काल को नहीं हरा पाया, क्योंकि वो सभी म्यूटेंट्स काल के डीएनए के साथ मिलकर तैयार किए गए थे, और उनमें काल की शक्ति का लगभग 1/5 हिस्सा ही था। लेकिन पूरे काल को भी मोर पावरफुल से लड़ने में क्रिश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। आज के राइटर हैं अभिषेक मिकी। विकेट रूप
कैसे देने वाले हैं लेजेंडरी सत्यजीत राय को राकेश रोशन श्रद्धांजलि। और ये फैसला एक फायदे का फैसला होने वाला है या फिर इसकी वजह से पढ़ सकते हैं फिल्म के मेकर्स काफी उलझे हैं। तो दोस्तों ये बात अनडाउटेडली क्रिश फॉर इंडिया की फिलहाल मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी सुपर हीरो मूवी और आती है तो दोस्तों उसका कैरेक्टर हम लोगों के लिए नया होगा, लेकिन क्रिश को हम पिछले 3 बार मूवीज में देख चुके हैं और हर बार हम लोगों को उसका कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। अब अगर बात करें क्रिश के बारे में तो इस मूवी में एक बार फिर से क्रिश आ चुके हैं एक नए मिशन को लेकर। और साथ ही साथ में खतरा इस बात का है कि इस बार मिशन में साथ देने के लिए उनके साइंटिस्ट पापा रोहित अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि क्रिश हर बार की तरह एक बहुत ही बड़ा मिशन लेके आ गए हैं। इस बार मेकर्स ने क्रिश को सिर्फ समुंदर पार करने के लिए नहीं बल्कि गैलेक्सी और टाइम पार करने की पावर्स के साथ बनाया हुआ है। लेकिन खतरा यहाँ है कि क्रिश के पास उन पावर्स को यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। और जब वो उस टेक्नोलॉजी की तलाश में निकलते हैं ताकि वो अपना मिशन पूरा कर पाए तो उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो क्रिश पहुंच जाते हैं समुंदरों को पार करते हुए अमेरिका, और अमेरिका में जाके अपने पापा के कनेक्शन से बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। वहां जाकर जब क्रिश मामले की सीरियसनेस को समझ रहे होते हैं तो उसी दौरान उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। फिर बात क्या था, क्रिश ठान लेते हैं कि अपने ऊपर काम करना वो खुद शुरू कर देंगे। तो फिर क्या, क्रिश पहुंच जाते हैं उस टेक्नोलॉजी की रिसर्च के ऊपर। अब जब वो उसकी रिसर्च करते होते हैं तो उसी दौरान उनको पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी असल में अमेरिका की है ही नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के ही एक महान साइंटिस्ट की है जिनके पास पैसे की कमी होने के कारण उन्हें अमेरिका के आगे फंडिंग के लिए हाथ फैलाना पड़ा था। और फिर क्या, अमेरिका ने उनका आइडिया इनिशियली ठुकरा दिया लेकिन बाद में उन्हीं के आइडिया पर वर्क करके मशीनरी तैयार करने लगे। लेकिन चोरी चोरी होती है और रियलिटी रियलिटी, और इसीलिए वो मशीनरी बनने के बाद भी उसकी एक भी टेस्टिंग पास नहीं हो पाती। जी हाँ दोस्तों, तो फिर क्या था, क्रिश पहुंच जाते हैं खुद उस महान साइंटिस्ट के पास और उससे बात करते हैं इस मशीनरी के बारे में। अब चूंकि इसके बारे में बात करते टाइम उनको पैसों की जरूरत होती है तो क्रिश एक फंड रेजर स्टार्ट करते हैं और देश और दुनिया भर से लोग क्योंकि उनको जानते हैं तो इसलिए वो उनकी पैसे जोड़ने में मदद करते हैं। और उसकी वजह से यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और टेक्नोलॉजी क्रिएट हो जाती है और गुमनाम टैलेंटेड साइंटिस्ट को उसका क्रेडिट मिल जाता है। अब अगर वहीं बात करें फिल्म के बारे में तो दोस्तों सत्यजीत राय लेजेंडरी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्रद्धांजलि देने का ठान लिया है राकेश रोशन ने। पहले तो उनकी 100th एनिवर्सरी के अवसर पर ही वह मूवी रिलीज करने वाले हैं और उसके बाद खास बात ये होने वाली है कि फिल्म में काम कर रहे साइंटिस्ट का लुक सत्यजीत राय से मेल खाता होगा। साथ ही साथ में इतना ही नहीं, जो फिल्म में एलियंस दिखने वाले हैं शायद उनका लुक्स भी सत्यजीत राय के एलियंस से ही इंस्पायर होकर बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि सत्यजीत राय ने हिंदी सिनेमा को कितना कुछ दिया है और उन्होंने भारत में कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया है और इसीलिए राकेश रोशन उनको देने वाले हैं श्रद्धांजलि, जिसकी वजह से सत्यजीत राय के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये चीज काफी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग और प्रमोशन में यूज की जा सके। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम, सुपर हिट मूवी के लिए क्या बदलाव करेंगे राकेश रोशन? क्या इस बार ट्रिपल रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन? आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसकी फ्रेंचाइजी ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट सीक्वेंसेस दिए हैं। ये पहली बार ऐसे किसी मूवी में हुआ होगा जिसमें किसी एक्टर की नहीं बल्कि एक दूसरे ग्रह से आए एलियन की वजह से मूवी ने चारों तरफ तहलका मचा के रख दिया। आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर हीरो फिल्म क्रिश फ्रेंचाइजी के बारे में। क्रिश फ्रेंचाइजी का फर्स्ट सीक्वल कोई मिल गया था जिसमें दूसरे ग्रह से आया एलियन जिसका नाम जादू रखा गया था उसे दर्शकों और खास तौर से बच्चों का खूब प्यार मिला। इस मूवी के हिट होने की एक वजह ये भी थी कि इससे पहले बॉलीवुड में ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं लाया गया था। और अगर बात करें हॉलीवुड की तो वहाँ पे ऐसी एलियन कॉन्सेप्ट की साइंस फिक्शन मूवीज तो बनती ही रहती है, मगर राकेश रोशन ने अपनी बॉलीवुड फिल्म में एलियन को ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करके दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। ये एक काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा। जादू अपने घर जाने से पहले अपनी शक्तियों को रोहित मेहरा में ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद ये सुपर पावर्स उसके बेटे कृष्णा में भी आ जाती हैं और फिर कृष्णा से उसके बेटे में। अभी तक इन मूवीज में क्रिश का डबल रोल रहा है। पहली बार इंडियन सुपर हीरो की कोई कहानी बॉलीवुड में लाई गई थी। मूवी के सभी सीक्वल काफी हिट रहे हैं मगर बावजूद इसके इस मूवी में क्रिश के कॉस्ट्यूम को लेकर हमेशा से ही मजाक बनाया
जाता है। हर बार क्रिटिक्स का कहना है कि एवेंजर्स के सुपर हीरो जैसे कोई इनोवेटिव कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो। फिलहाल क्रिश 4 में भी ऋतिक के कॉस्ट्यूम को लेकर कोई डिस्कशन अभी तक तो नहीं चल रहा। क्रिश के सभी सीक्वल्स में VFX, सिनेमाटोग्राफी, एंटरटेनमेंट वैल्यू, विजुअल इफेक्ट्स को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है। मगर बावजूद इसके अगर आप ध्यान दें मूवी के तीनों सीक्वल पर, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि क्रिश मूवी शुरू हुई थी कोई मिल गया कहानी से, जिसका मोटिव और मेन प्लॉट एलियंस के आसपास था। क्रिश 2 और क्रिश 3 में कहीं ना कहीं देखा गया कि मूवी की स्टोरी ओरिजिनल प्लॉट से भटक गई। ऑडियंस और क्रिश फैंस फिल्म के हर सीक्वल में जादू को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्रिश फ्रेंचाइजी में जादू वापस आ जाए और ये फ्रेंचाइजी अपने ओरिजिनल प्लॉट पर आ जाए। मगर अब मेन बात ये है कि जादू आएगा कैसे। जादू को सिर्फ रोहित मेहरा ही वापस बुला सकते थे। रोहित के पिता ने वो कंप्यूटर डिजाइन किया था जिससे उनका एलियन से कनेक्शन हुआ करता था और उनके कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ रोहित मेहरा चला सकते थे। सूत्रों के मुताबिक क्रिश 4 में टाइम ट्रेवल की स्टोरी दिखाई जाएगी। कृष्णा समय में वापस पीछे जाकर अपने पापा रोहित मेहरा को वापस लाएगा और उनके जरिए जादू को भी वापस बुलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि समय में वापस पीछे जाकर जादू को बुलाने की आखिर जरूरत क्या पड़ेगी। चाहते तो सब है कि जादू वापस आ जाए, मगर अचानक से जादू को फिल्म में देखना थोड़ा अटपटा तो हो ही सकता है। तो आखिर क्यों और कौन सी सिचुएशन से जादू की एंट्री होगी। और हम फिल्म मेकर से यही उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई नया म्यूटेंट ना लेकर आए कहानी में और कहानी के ओरिजिनल प्लॉट पर टिक जाएं। राकेश रोशन ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, मगर जहां तक स्टोरी हमने देखी है, देखा गया है कि ऋतिक रोशन ने बाप और बेटे दोनों का रोल खुद ही निभाया है। और अब क्रिश 3 में हमने देखा था कि उनके बेटे का जन्म हुआ जिसमें वही सुपर पावर्स हैं। तो क्या अब अपने बेटे के रोल को भी वही निभाएंगे और क्रिश 4 में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे, या फिर उनके बेटे के रोल के लिए किसी और एक्टर को हायर किया जाएगा। एक्टर को हायर करने का मतलब है कि फिल्म में टाइम लैप्स दिखाया जाएगा जहां बेटा उन्हीं शक्तियों के साथ बड़ा होता है। तो क्या ये भी क्रिश जूनियर बनकर दुनिया की रक्षा करेगा, या फिर जैसे रोहित की दादी ने उससे उसकी शक्तियां छुपाई थी वैसे इससे भी इसकी शक्तियां छुपाई जाएंगी और फिर इसे एकदम से सब कुछ सच पता चलेगा। खबरों की माने तो इस बार क्रिश 4 के लिए कियारा आडवाणी को साइन करने की बात चल रही है। तो क्या हम ये मान ले कि अब क्रिश फ्रेंचाइजी से प्रिया मेहरा बाहर हो चुकी है और कियारा आडवाणी किस रोल में नजर आएंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव अगर हुई तो कहानी में जूनियर सुपर हीरो की प्रेमिका बनकर नजर आएंगी, या फिर फिल्म के प्लॉट से आ रही खबरों की माने तो ये क्रिश को टाइम ट्रेवल करने में मदद करने वाली है। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अभी तक क्रिश फ्रेंचाइजी फर्स्ट मूवी के प्लॉट से आगे की कहानी कंटिन्यू कर रही है, इस बार भी क्रिश के बेबी बॉय का होना इस मूवी में कंफर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितने रोल में ऋतिक रोशन नजर आएंगे। आपके हिसाब से इस बार कहानी में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या रहेगी जूनियर क्रिश की परफॉर्मेंस, हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी। सत्यजीत रे की नेवर फिनिश्ड फिल्म को राकेश रोशन ने पाया उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए परफेक्ट। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। क्रिश सीरीज को हम बॉलीवुड की उस आउटसाइडर की तरह देख सकते हैं जिसने धीरे धीरे स्टडी कदमों के साथ ऑडियंस के दिलों पर अपना राज जमा लिया है। कोई मिल गया से शुरुआत हुई जिसे बच्चों की मूवी और उस समय बॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कैटेगरी में डालकर अलग कर दिया गया। भले ही फिल्म हिट रही लेकिन हर बॉलीवुड साइंस फिक्शन क्रिटिसिज्म या जोक में फिल्म का नाम आने लगा। अब प्यारे एलियन से सब पर अपना जादू चलाकर उनको दिलों के दरवाजे खोलने के बाद बारी थी सुपर हीरो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, जिसमें दस्तक दी थी ब्लैक कैप वाले हीरो ने जिसका नाम था क्रिश। फिर क्या था, क्रिश ने अपनी वो जगह बना ली जिस पर उसकी नजर थी और जिस फिल्म के सीक्वल्स के अनाउंसमेंट सुनकर लोगों को खास फर्क भी नहीं पड़ता था और सिर्फ फ्री टाइम होने पर ही लोग जिसे थिएटर्स में देखने जाते थे अब उसके सीक्वल की लोग राह देखने लगे। तो अपनी प्लानिंग में इतने सक्सेसफुल होने के बाद अब राकेश रोशन का अगला कदम क्या होगा, अब वो ऑडियंस पर किस तरह अपना जादू चलाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इस फिल्म के रिजेक्शन पीरियड के बाद की है। दरअसल रे की इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कोलंबिया पिक्चर्स ने हामी भरी थी लेकिन बाद में ये फिल्म कैंसिल हो गई। इसके करीबन 14 साल बाद स्टीवन की क्लासिक मूवी ईटी रिलीज हुई जिसकी कहानी यहाँ तक कि एलियन का अपीयरेंस और स्क्रीन प्ले भी सत्यजीत रे से काफी मिलता जुलता था।
एक रिपोर्टर जिन्होंने रे से इस बारे में बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं रे की द एलियन की स्क्रीन प्ले से हैरान रह गया, क्योंकि वाकई दोनों कहानियों में इवन लुक्स में कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। हालांकि स्टीवन ने इन खबरों को पूरी तरह से ये कहकर नकार दिया कि जब द एलियन की बातें चल रही थी तब वो हाई स्कूल में थे। लोगों ने रे से इस मैटर को आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन रे ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें स्टीवन एज अ डायरेक्टर पसंद थे। आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक ऐसी फिल्म जो पूरी बनी भी नहीं और जो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, उससे राकेश रे को ट्रिब्यूट कैसे दे पाएंगे। वैसे इसका जवाब है हमारे पास, लेकिन इसे जानने के लिए आप कैसे इंडिया के बिगेस्ट एवर डायरेक्टर को अपनी फिल्म से ट्रिब्यूट देने के प्लान में है राकेश रोशन। क्या है हॉलीवुड की इस कल्ट फिल्म की इंडियन सिनेमा से आइडिया चुराने की कहानी? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करेंगे क्रिश फोर फिल्म से रिलेटेड काफी दिलचस्प बातों के बारे में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त लगाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्रिश फोर राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड ऋतिक रोशन स्टारर एक अपकमिंग फिल्म है, जिसके लिए लोगों की एक्साइटमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रही। और कभी फिल्म में चार ऋतिक, तो कभी जादू की वापसी, तो कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री, तो कभी टाइम ट्रैवल की खबरें इस एक्साइटमेंट को सातवें आसमान का सफर कराती ही रहती हैं। लेकिन अब तो ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे शायद सभी सिनेमा के फैंस के चेहरों पर एक खुशी की लहर दौड़ जाने वाली है। एक्साइटेड टू नो? तो उसके लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में सक्सेसफुल वही जो अपडेटेड है, वो डेज और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स में बदलाव लाता है। और इस बेसिक सी बात से हमारे डायरेक्टर साहब राकेश रोशन कैसे अनजान हो सकते हैं? तो उन्होंने सक्सेस के इसी मंत्रा को अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 में आजमाने का फैसला किया है। अब आपको तो पता ही है कि इस साल हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर, जिनके चर्चे पूरे वर्ल्ड में है, यानी कि आर वेरी ओन सत्यजीत रॉय की 100th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ऐसे में राकेश रोशन ने फैसला किया है कि वो अपनी क्रिश 4 से इस कभी ना भुलाए जाने वाली शख्सियत को ट्रिब्यूट देंगे। और ये फैसला इतना अहम इसलिए भी है क्योंकि क्रिश 4 से बेहतर फिल्म इस काम के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? तो क्योंकि इस फिल्म से जादू की वापसी की खबरें आ रही हैं, जो कि एक एलियन है। आपको बता दें कि सत्यजीत रॉय भी द एलियन नाम की एक फिल्म पर काम करना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही ना पाई। इसकी स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी थी कि कोलंबिया पिक्चर्स ने इसे बनाने के लिए हामी भरी थी। एक्टर्स भी फाइनलाइज हो गए थे, लेकिन फिर कुछ कोऑर्डिनेशन और रोल इश्यूज के कारण धीरे धीरे कन्फर्म्ड कास्ट ने अपना नाम वापस लेना शुरू किया और इस तरह ये फिल्म बन ही ना पाई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि 15 साल बाद बनी स्टीवन स्पिलबर्ग की क्लासिक ईटी फिल्म पर सत्यजीत रॉय ने उनकी स्टोरी प्लेजराइज करने के इल्जाम लगाए थे। अब ये इल्जाम सही थे या गलत जानना चाहते हो तो हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की स्क्रिप्ट राइटर है उपासना पांडे। बहुत बहुत डैड और उसके ग्रैंडफादर से भी ज्यादा बना देगी ताकतवर। और क्या सच में क्रिश का बेटा होने वाला है अपने पापा और अपने दादाजी से भी ज्यादा पावरफुल? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राकेश रोशन द्वारा गिफ्टेड इंडिया को सबसे बेहतरीन सुपर हीरो जॉनरा की मूवी की फ्रेंचाइज क्रिश के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर आज के समय में आप किसी भी बच्चे से उसका फेवरेट सुपर हीरो जानने की कोशिश करेंगे तो वो मार्वल, डीसी या फिर एवेंजर्स के किसी कैरेक्टर का ही नाम लेंगे। लेकिन अगर आप उनको बताएंगे कि हम इंडियन कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो सबकी जुबान पर बस एक नाम होगा और वो होगा क्रिश का।
क्रिश ने सक्सेसफुली अपनी तीन मूवीज बना चुकी हैं और तीनों की तीन मूवी काफी ब्लॉकबस्टर रही। और साथ ही साथ में क्रिश के मिशन, क्रिश की कहानी और साथ ही साथ में मूवी में दिए गए प्लॉट एंड ट्विस्ट हर बार परफेक्शन का नाम दिखाते हैं। लेकिन इस बार एक और चीज स्पाइस अप करने वाली है क्रिश की फ्रेंचाइज को। जल्दी राकेश रोशन क्रिश 4 की मूवी लेके हम लोगों के सामने आने वाले हैं और इस बार फिल्म में सिर्फ हाई स्पीडी हाई जंप के अलावा एक और सुपर पावर दिखने वाली है क्रिश के पास, जो कि होने वाली है टाइम और गैलेक्सी को पार करने की। वहीं क्रिश के बेटे के पास भी एक काफी खास पावर होने वाली है। तो आइए जानते हैं ऐसा कैसे। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा था कि क्रिश 3 की एंडिंग के दौरान क्रिश की वाइफ यानी कि प्रिया को एक बेबी होता है और उसके पास होती है बाय बर्थ ही उड़ने की शक्ति, जो कि उसके डैड या उसके दादाजी में से किसी के पास भी नहीं होती। अगर इसके बारे में मैं आपको रिवाइंड कराऊं तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोई मिल गया में बास्केटबॉल मैच के दौरान रोहित ने सेमी फ्लाइंग की थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जादू ने अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके वो पावर क्रिएट की थी और उसको सेमी फ्लाइंग करवाई थी। खुद से यह पावर रोहित के पास नहीं होती। वहीं अगली मूवी में हमने क्रिश को हाई जंप करते, हाई स्पीडी रहते और हाई एग्रिटी वाली पावर्स के साथ देखा, लेकिन फ्लाइंग पावर्स स्टिल मिसिंग। लेकिन अगर बात करें क्रिश 3 के बारे में, तो जब रोहित क्रिश को दोबारा से जिंदा करते हैं तो वह अपनी पावर्स एक ब्रेन ट्रांसमीटर के थ्रू क्रिश को दे देते हैं, जिसकी वजह से क्रिश के पास और भी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और वह पावर्स उतनी होती है जितने की जरूरत पड़े। और इसी की वजह से कैरेक्टर जुड़ जाता है क्रिश के बेटे के अंदर भी, और इसीलिए क्रिश के बेटे को मिल जाती हैं फ्लाइंग पावर्स, वो भी बाय बर्थ। तो अब इसकी वजह से क्या तड़के लगने वाले हैं इस मूवी में और इस फ्रेंचाइज में अब क्या ट्विस्ट लगेगा इस बात की वजह से, ये बात तो देखने लायक होगी। साथ ही साथ में ये सुपर पावर्स बना देती है क्रिश के बेटे को अपने डैड और अपने दादा दोनों से पावरफुल। तो दोस्तों, आपका इस फ्रेंचाइज के बारे में क्या कहना है और इस नई सुपर पावर को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और करें वीडियो को लाइक और शेयर और करें बॉलीग्राड स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप जुड़े रहें हिंदी सिनेमा। क्या कीर्ति सेनन हुई क्रिश 4 से बाहर? पहले से इंतजार करती थी और किस तरह क्रिश 3 मूवी क्रिश मूवी से कनेक्टेड थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे चहीते और सबसे पावरफुल सुपर हीरो क्रिश के बारे में। आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो वो हॉलीवुड के फेमस हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और एवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएगा। लेकिन जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना है तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आता है और वो है क्रिश का। तो सही समझा आपने। आज हम फिर से बात करेंगे राकेश राशन द्वारा डायरेक्टेड फेमस सुपर हीरो सीरीज क्रिश की, जिसमें अब तक टोटल 3 फिल्में बन चुकी हैं, जो कि हैं कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। क्रिश 3 मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट था एक न्यू विलन काल, जिसने अपने डीएनए की मदद से एक नई महामारी को ऐजाद किया, जिसे वो अलग अलग कंट्रीज में फैला देता है और उनकी कंपनी के पास उस बीमारी का एंटीडोट तैयार रहता था, जिससे वो काल के ब्लड सैंपल से तैयार करते थे। और जब बीमारी से कंट्री की कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती है, तब काल की कंपनी एंटीडोट को काफी हाई प्रॉफिट पे बेचती है, क्योंकि एक न्यू बीमारी के एंटीडोट बनाना में डॉक्टर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें उन्हें काफी समय भी लग सकता था। तो वहीं काल की कंपनी के पास बीमारी को बनाने और हटाने दोनों का ही तरीका पहले से मौजूद था। तो जब ये बीमारी इंडिया में फैलनी शुरू की गई, तो साइंटिस्ट टीम मौजूद थे रोहित मेहरा, जो कि इस वायरस के एंटीडोट बनाने में जुट चुके थे। और तभी रोहित मेहरा ने ये चीज नोटिस की थी कि ये वायरस के सैंपल्स रोहित के डीएनए से काफी सिमिलर थे। रोहित ने ये बात कृष्णा को भी बताई और ये भी बताया कि रोहित और क्रिश पे इसका असर नहीं हो रहा और ना ही प्रिया पे, क्योंकि उसके पेट में क्रिश का बेटा था, यानी कि उनके ब्लड से इस बीमारी का एंटीडोट बन सकता था, जैसा कि रोहित ने किया भी। और सिमिलर सैंपल्स होने की असली वजह थी डॉक्टर आर्यन द्वारा किए गए कुछ टेस्ट की वजह से काल का बनना। ये एक बहुत ही शानदार मास्टर स्ट्रोक सीन था राकेश रोशन द्वारा, जो कि क्रिश मूवी को क्रिश 3 से कनेक्ट करता था, क्योंकि काल को रोहित के डीएनए से ही तैयार किया गया था,
जिस वजह से कायल के पास टेलीकाइनेटिक्स पावर थी। तो आपके क्रिश के बारे में और डायरेक्टर राकेश की मूवी कनेक्शंस के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की होम प्रोडक्शन में तैयार की गई मूवी फ्रेंचाइजी क्रिश की, जिसमें वो खुद सुपर हीरो क्रिश के रोल को प्ले करते हैं। क्रिश फ्रेंचाइजी के अंडर अब तक कुल मूवीज तैयार की गई है, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3, तीनों ही मूवीज अपने ईयर की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और डायरेक्टर रोशन अब पूरी तरह तैयार है इस मूवी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिश 4 के जरिए। एक सुपर हीरो मूवी होने के साथ साथ क्रिश 3 में काफी ज्यादा कलरफुल सॉन्ग्स थे और मूवी के डांस भी बहुत शानदार थे, जहां 230 डांसर्स का भी यूज किया गया था। क्रिश को 2 मूवीज में देखा गया, क्रिश और क्रिश 3 में, और क्रिश सुपर हीरो बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस है और सभी बच्चों को क्रिश काफी ज्यादा पसंद है। क्रिश के मास्क के सभी दीवाने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिश के मास्क को वैक्स से तैयार किया जाता है? जी हाँ, वही वैक्स जिससे कैंडल तैयार होता है, उसी वैक्स से ही क्रिश का मास्क तैयार किया जाता है। और ये बात तो ऑब्वियस है कि वो मास्क पिघल भी सकता है, और इसी वजह से मूवी मेकर्स ने क्रिश के तीनों मूवीज में पूरे 600 मास्क का इस्तेमाल किया है शूटिंग के दौरान। मूवी के सीन्स की शूटिंग से 2 घंटे पहले से ही कंगना रनौत को अपनी ड्रेसिंग शुरू करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि कंगना को 4 किलो वेट लॉस भी करना पड़ा था, ताकि वो काया के कॉस्ट्यूम में पूरी तरह फिट हो सके। और शूटिंग से पहले कंगना को हर दिन 2 घंटे का समय लगता था काया की कॉस्ट्यूम में परफेक्टली फिट होने के लिए। बिल्कुल इसी तरह ऋतिक को रोहित मेहरा की सीन शूट करने से पहले भी काफी देर लगती थी तैयार होने में, क्योंकि रोहित का कैरेक्टर एक ओल्ड पर्सन का किरदार है, जिस वजह से ओल्ड दिखने के लिए अब्रॉड से प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट्स ऋतिक के लुक्स के ऊपर काम करते थे। जब भी रोहित मेहरा की सीन्स की शूटिंग करनी होती थी, तब ऋतिक को हर दिन शूटिंग से पहले लगभग 4 घंटे और 30 मिनट तक पहले प्रोस्थेटिक से उस लुक को तैयार करते और उसके बाद वो शूटिंग करते थे। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं सिलसिला कहने का कुछ अन कहा और सुनाने का कुछ अन सुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल। आखिर क्रिश 4 के लिए खास तौर पर क्यों एक्साइटेड है ऑडियंस और सबके दिमाग में जादू आज तक जिंदा कैसे है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फिल्म क्रिश 4 के बारे में। दोस्तों, क्रिश 4 ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म है, जिसमें क्रिश यानी कि हम सभी का सुपर हीरो एक बार फिर लौट कर आने वाला है सभी की जान बचाने। और दोस्तों, ये पहली बार होने वाला है कि किसी फिल्म के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो फिल्म के रिलीज डेट में दिन गिन रहे हैं। जी हाँ, क्रिश की फ्रेंचाइज में कई सारी फिल्में आई हैं, जिसमें आने वाला है 4th पार्ट, और 4th पार्ट के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल पहुंच गई है। तो अब आइए जानते हैं क्यों। तो अब आप सभी को रीजन जानना था ना, तो जान लीजिए रीजन। इस सब के पीछे का रीजन है वो खबर, जिसने हम सभी को बताया कि फिल्म में वापस आने वाला है हमारा येलो कोट वाला ब्लू एलियन यानी के जादू। जी हाँ दोस्तों, इतने सालों बाद भी हम सभी के दिमाग में जादू जिंदा है, और अब ऐसी खबर आ जाए कि क्रिश 4 में जादू वापस आ जाएगा तो भाई हम एक्साइटेड कैसे ना हो। अब जादू हम सभी के दिमाग में जिंदा कैसे है, तो आइए आप सभी को मैं ये भी बता देती हूँ। अब क्रिश फ्रेंचाइज ने कभी भी नुकसान का सामना नहीं किया, लेकिन दर्शकों को हमेशा फिल्म मेकर्स से एक शिकायत रहती थी कि एलियन का कॉन्सेप्ट हटाकर अचानक से सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं फिल्म में एलियन का जिक्र तो होना चाहिए था, जादू तो होना चाहिए था। तो इस सब को देखकर फिल्म के मेकर्स यानी कि राकेश रोशन ने भी डिसाइड किया है कि फिल्म के 4th पार्ट में हम सभी को जादू नजर आने वाला है। तो अब चलिए, आइए, जादू का जिक्र हो रहा है तो मैं आप सभी को बता दूं जादू की खास बातें, और ये हम सब भी जानते हैं। दोस्तों, टॉप पर आती है जादू की क्यूटनेस और जादू का वो धूप धूप कहकर इशारों में बात करना। अब चाहे आप वो सीन याद कर लीजिए जब रोहित और जादू मिलते हैं, या फिर वो वाला सीन जिसमें जादू रोहित की मम्मी से छुप रहा होता है। जादू के होने से फिल्म ने एक फेरी टेल का रूप ले लिया था,
जादू की वजह से सभी को इस फिल्म को देखकर बड़ा मजा आया था। अब चाहे आप उस सीन की बात कर लीजिए जब रोहित ने 10th क्लास के बच्चे के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, और वही रोहित जो ढंग से चल भी नहीं पाता था वो इट्स मैजिक वाले गाने पर डांस कर रहा था। तो ऐसे में जादू को हम लोग कैसे भूल जाएं, जादू की इम्पोर्टेंस हम लोग कैसे कम कर पाए। और दोस्तों फिल्म की सबसे खास बात थी फिल्म में रोहित और जादू की बॉन्डिंग। जो रोहित कभी अपने लिए भी आवाज नहीं उठा पाता था वो जादू के लिए आवाज क्या पूरा का पूरा बाहर चला जाता है लोगों से लड़ने। और वही रोहित और जादू लोगों को हंसाते भी हैं और वही लोगों को रुलाते भी हैं। इन दोनों की जोड़ी ने सभी को बहुत खुश किया था। अब दोस्तों ये वही बॉन्डिंग है जो लोगों ने क्रिश की सभी सीरीज में बहुत मिस करी। सभी ने जादू को मिस किया, सभी ने वो बॉन्डिंग, वो दोस्ती कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिस करी। तो अब ऐसे ही में क्रिश 4 में जब जादू के आने का जिक्र हो, यानी कि हम सभी के प्यारे एलियन के आने का जिक्र हो, तो हम सब खुश कैसे ना हो। अब आप लोग बताइए कि आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करिए, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से नजर आ सकते हैं। और बात की जाए फिल्म की फीमेल लीड की, तो वो कोई और नहीं बल्कि कृति सेनन ही हो सकती है, और साथ में कृति खरबंदा भी देखने को मिल सकती है। इस वजह से ये मूवी एक मल्टी स्टारर हो जाएगी। वैसे तो इंडिया में सुपर हीरो मूवीज को सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाता है, पर एमसीयू ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करके इंडियन ऑडियंस को सुपर हीरो मूवी की आदत सी लगा दी, और इसको सभी उम्र के लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इंडियन डायरेक्टर्स को भी सुपर हीरो मूवीज बनाने के लिए इंटरेस्ट आ रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में बस क्रिश ही एक ऐसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज है जिसने सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर किया है। तो अब इसके 4th पार्ट के बनने की खबरें शुरू हो चुकी है। इस मूवी का इंतजार इंडियन ऑडियंस को बहुत दिनों से था, और अब राकेश रोशन ने हॉलीवुड स्टूडियो को क्रिश 4 के लिए हायर किया है। इसकी वजह से फिल्म के VFX काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, और फिल्म थिएटर पर एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है, और वर्ल्ड को भी पता चल जाएगा कि इंडिया भी अपना सुपर हीरो सिनेमैटिक बना सकती है और MCU की तरह सक्सेस कर सकती है। वैसे खबरें आ रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और टाइगर श्रॉफ को विलन के लिए हायर किया जा सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्टिंग में नवाज और एक्शन में टाइगर दोनों बेस्ट हैं, और पिछले ईयर ही हमने ऋतिक और टाइगर की वॉर में देख लिया है ये जोड़ी कैसे अपने ईयर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। तो अब ये दोनों की जोड़ी और नवाज के होने से क्रिश 4 को सुपर हिट होना तो तय लग रहा है। और न्यूज ये है कि क्रिश को इस बार ज्यादा फास्ट और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिल सकती है, और इस मूवी में जादू के रिटर्न होने की खबरें आ रही हैं, जो अब अपने पार्स एक्सप्लोर कर चुका है, तो क्रिश को पार्स दे सकता है, जिसकी वजह से हमें फाइनली क्रिश अपने सुप्रीम पार में दिख सकता है, क्योंकि अब की बार विलन बहुत पावरफुल होने वाला है और क्रिश के अलावा वो हारने वाला है। क्रिश को जादू की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वो विलन को हरा पाएगा, और हो सकता है कि पहले पार्ट में क्रिश हर दी जाए, बट क्योंकि वो जादू की हेल्प लेने वाला है और विलन से जीत सकेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में जादू की हेल्प उसे लेनी ही पड़ेगी। क्रिश 4 इंडिया की दूसरी फ्रेंचाइज होगी जिसकी 4th पार्ट आएगा, पहले गोलमाल फ्रेंचाइज थी 4th पार्ट होने वाली। क्रिश 4 पर इंडिया के सुपर फैन की नजरें टिकी हुई है, मूवी ही डिसाइड करेगी कि इंडिया को अपना सुपर हीरो यूनिवर्स मिलेगा या नहीं। चलिए अब क्रिश 4 में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। खबरें ऐसी आ रही है कि मूवी एवेंजर्स की तरह सेकेंड पार्ट में बन सकती है, और खबरें ये भी है कि ऋतिक शायद विलन और हीरो दोनों का रोल निभाएंगे। हमें इविल क्रिश भी देखने को मिल सकता है, और दूसरा क्रिश भी। प्रियंका चोपड़ा नहीं हो सकती है क्योंकि उनके बिहाफ में टीम कृति सेनन और कृति खरबंदा को साइन कर लिया गया है वे फीमेल सुपर हीरोज के अवतार में हमें नजर आ सकती है, और हमें इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो को देखने को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मार्वल और डीसी ने फीमेल हीरोज को काफी अच्छे कैरेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन, आयरन गर्ल, ब्लैक विडो एक्सेट्रा।
और ऐसे फीमेल लीड मूवीज को मेल लीड से ज्यादा IMDb रेटिंग और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, जिससे विमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा मिल सकता है। ये न्यूज है कि विद्युत जम्वाल एक सुपर हीरो अवतार में नजर आ सकते हैं और क्रिश के साथ देते नजर आएंगे। इस वजह से दो सुपर हीरो देखने को मिल सकते हैं मूवी में। पावरफुल विलेन को अच्छे से टक्कर दे पाएगी क्रिश की टीम। लास्ट पार्ट में वे ओब्राय काल की भूमिका में नजर आए थे, पर क्या काल वापस आ सकता है और उसकी काल आर्मी भी वापस आ सकती है? इसके चांसेस तो कम है, पर अगर ये हो जाए तो इंडियन पब्लिक को मजा ही आ जाएगा मूवी देखने में, क्योंकि लास्ट पार्ट में काल ने ऑलमोस्ट क्रिश को हरा दिया था और उसका आयरन सूट भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा था। और बात की जाए दूसरी इंडियन सुपर हीरो मूवीज की, तो जो अनाउंस की गई है वो है विकी कौशल की इमोरल अश्वत्थामा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टारर ब्रह्मास्त्र। साउथ इंडस्ट्री में एक और सुपर हीरो यूनिवर्स अनाउंस किया गया है। उसकी फर्स्ट मूवी का टीजर आया है हनुमान नेम से। रोबोट 3.0 पर भी काम स्टार्ट हो गया है। राज कॉमिक के नागराज को रणवीर सिंह ने साइन किया है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ इंडियन को अपने फर्स्ट एंटी सुपर हीरो अपरिचित का बॉलीवुड रिमेक भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे न्यूज से ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज हमें देखने मिलेंगे और क्रिश फ्रेंचाइज का कॉम्पिटिशन भी मिलेगा आने वाले टाइम में, और सुपर हीरो मूवीज का एरा आने वाला है, इसलिए क्रिश फोर्स इसको स्टार्ट दे सकती है। और हम जानते हैं कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे फिटनेस फ्रीक इंसान हैं और टाइगर और विद्युत उनसे कम नहीं है। दोनों काफी अच्छी फिजिक इंसान हैं और तीनों बेस्ट चांसेस ऑफ बॉलीवुड है। ऋतिक चाहते हैं कि फिल्म में सारे फिट एक्टर्स रहे, क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी का एक्शन सीन काफी होंगे इसमें, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते मूवी को लेकर, क्योंकि ये मूवी उनका और भी उनके पापा की ड्रीम प्रोजेक्ट है और 15 ईयर का सपना है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पब्लिक सबसे ज्यादा इविल क्रिश को देखना चाहती है और उनके सूट में काफी चेंजेस किए गए हैं, ज्यादा डैशिंग बनाया गया है। एक न्यूज भी ये है कि क्रिश व्हाइट सूट में क्या आ रहा है क्रिश फिर से जादू को लेकर? क्रिश 4 में क्या हो सकती है रोहित मेहरा की वापसी? क्रिश सीरीज के 15 साल पूरे होने पर क्या ऑफिशियली अनाउंस किया है ऋतिक ने? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन की हाई फाई फिल्म क्रिश के रिलीज को 23 जून को 15 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर ऋतिक ने अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की। उन्होंने एक वीडियो के साथ फिल्म की चौथी फिल्म क्रिश 4 की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। क्रिश 4 को लेकर काफी वक्त से खबरें आ रही थी, मगर ये पहली बार है जब ऋतिक ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। वीडियो में क्रिश और उसके नए मास्क की झलक दिखाई गई है और अंत में लिखा आया कि क्रिश के 15 साल। इसके साथ ऋतिक ने लिखा, अतीत में जो होना था हो चुका है, देखते हैं भविष्य क्या लेकर आता है। क्रिश 23 जून 2006 में रिलीज हुई थी। ये ऋतिक की पहली साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया का सीक्वल थी। फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। बता दें कि क्रिश सीरीज की चौथी फिल्म में ऋतिक का किरदार कृष्णा यानी क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा को वापस लाने के लिए टाइम ट्रेवल कर सकता है। क्रिश के एलियन दोस्त जादू की वापसी की संभावना भी जताई गई थी। क्रिश 4 में कई सारे सुपर विलन नजर आने की उम्मीद है जो क्रिश से मुकाबला करेंगे। फिल्म में इनके लुक्स को असरदार ढंग से दिखाने के लिए हॉलीवुड डिजाइनरों से संपर्क साधने की खबरें भी आई हैं। क्रिश 4 में पहले से ज्यादा खतरनाक विलन, ज्यादा उम्दा VFX, मजेदार कहानी और जादू का एक अनोखा रूप देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि बेशक इसमें जादू होगा, पर जरूरी नहीं है कि जादू उसी रंग रूप में आएगा। उम्मीद की जा रही है कि वो बदला जाएगा और ये भी हो सकता है कि फिल्म में जादू की मेमोरी लॉस दिखाई जाए। आप क्या कहेंगे कि एलियन की मेमोरी लॉस कहाँ होती है? तो आपको बता दें कि ये एक फिक्शन मूवी है और इसमें कुछ भी हो सकता है। इसका भी प्रूफ है हमारे पास, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही अब इंतजार है फिल्म की नई अपडेट और क्रिश 4 से जुड़े किस्सों का। आप क्रिश में एक बार फिर जादू को देखने के लिए तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक क्रिश 4 के बारे में। क्रिश 4 आ रही है, क्रिश 4 आ रही है, ये
ये अनाउंसमेंट हमने कई बार की। फिल्म से जुड़े कुछ खास अपडेट्स का भी खुलासा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की अनाउंसमेंट में देरी होने के कारण फैंस का विश्वास डगमगाने लगा। लोगों ने अपडेट्स को अफवाह और वीडियोस को क्लिकबेट मानना शुरू कर दिया। पर आखिरकार हमारे इस सदियों के इंतजार का फल हमें मिलने वाला है। अब फाइनली क्रिश 4 आने वाली है। कहाँ हुई फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, किसने की, कैसे की, टीजर या फिर पोस्टर? अरे थांबा, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में। बस पेशेंटली हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब अगर आप बॉलीवुड सुपर हीरो क्रिश के डाई हार्ड फैन हैं तो इस बात से ज़रूर वाकिफ होंगे कि वेनसडे यानी कि 23 जून को क्रिश को रिलीज़ हुए 15 साल पूरे हो गए, जिसकी वजह से फैंस ने फिल्म की कास्ट और फिल्म के मेकर्स को खूब बधाइयाँ दी। और ऐसे में ऋतिक रोशन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपने चाहने वालों के लिए एक बड़ा सा रिटर्न गिफ्ट कर दिया अनाउंस। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, क्रिश 4। ऋतिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो रिलीज किया और उसके साथ लिखा, द पास्ट इज डन, लेट सी व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स। यानी कि जो होना था सो तो हो गया, अब देखते हैं भविष्य क्या लेकर आता है। इस कैप्शन को उन्होंने 15 ईयर्स ऑफ क्रिश और क्रिश 4 टैग्स के साथ पोस्ट कर दिया, और फिर क्या था, हो गया पूरा इंटरनेट पागल। आप जरूर एक्साइटेड हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि वीडियो में क्या खास था। क्या वीडियो में विलन की झलक देखने को मिली, या लेडी का दीदार हुआ, जादू की वापसी, या फिर ऋतिक रोशन का कोई एक्शन सीन? पर आपकी इस एक्साइटमेंट को हमें डिसअपॉइंट करना होगा, क्योंकि मेकर्स ने फैंस के साथ सरप्राइज गेम खेलना शुरू कर दिया है, और इसीलिए क्रिश की इस वीडियो में कुछ भी रिवील नहीं किया गया। बस बैकग्राउंड में उड़ते हुए क्रिश को एक ब्लर्ड वीडियो में शो किया गया, और उसके साथ ही क्रिश का मास्क स्क्रीन की ओर फेंक दिया गया। लेकिन हम इस बात से फिर भी खुश हैं कि फाइनली फिल्म आ रही है और फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। खैर, आपको बता दें कि इससे पहले क्रिश और क्रिश 3 की लीडिंग लेडी प्रियंका चोपड़ा जोनस की टीम ने भी फिल्म के कुछ स्टिल पोस्ट करके इस दिन को सेलिब्रेट किया। जाहिर है फैंस जानना चाहते थे कि ये पिछली क्रिश फिल्मों की तरह क्या इस बार भी हमें प्रियंका चोपड़ा इस सुपर हीरो ड्रामा में दिख सकती हैं, और अगर नहीं तो उनके बारे में इसका क्या कहना है। लेकिन अफसोस, हमें कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, क्रिश 4 आ रही है। हम तो सोच रहे हैं कि जब हमारा इतना बुरा हाल है एक्साइटमेंट से, तो आप लोगों का तो क्या ही हो रहा होगा। तो अपने अंदर इस एक्साइटमेंट को दबाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी के अभी अपने कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों दिखेंगे ऋतिक रोशन मेन विलेन के रूप में, कौन से मशहूर किरदार की हो रही है वापसी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट, और मैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो जिस घड़ी का इंतजार ऋतिक रोशन के फैंस कर रहे थे, वो घड़ी अब फाइनली आ गई है। क्रिश 4 का औपचारिक ऐलान आज ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर कर दिया है। क्रिश के 15 साल पूरे होने के खास मौके पर क्रिश 4 की घोषणा की गई है। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें पहली झलक दिखाई गई है और बताया गया है कि क्रिश के 15 साल पूरे हो गए हैं। इस वीडियो को ऋतिक ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अतीत में जो हुआ वो हो गया, देखते हैं कि भविष्य क्या लेकर आता है। इस वीडियो में क्रिश का बैकग्राउंड सुनाई दे रहा है और क्रिश के मास्क को दिखाया गया है, जिसके बाद वीडियो के अंत में लिखा हुआ आता है, क्रिश के 15 साल। तो आपको बता दें कि साल 2006 में क्रिश सीरीज की शुरुआत हुई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसमें ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी नजर आई थी। इसके बाद साल 2013 में क्रिश 3 रिलीज की गई, जिसमें ऋतिक और प्रियंका की इस कहानी को और आगे बढ़ाया गया, जिसमें कुछ नए चेहरे नजर आए। इस फिल्म में विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत भी नजर आई थी। लेकिन क्रिश से पहले इस कहानी की भूमिका कोई मिल गया में रखी गई थी, जो क्रिश के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई और क्रिश इसके आगे का ही भाग है। क्रिश सीरीज को लेकर लोगों में काफी क्रेज है और काफी समय से इस फिल्म का इंतजार हो रहा है।
अब जल्द ही ये इंतजार खत्म होगा। इस बार ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा दिखाई देंगी या फिर किसी और चेहरे को फिल्म में शामिल किया जाएगा, इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि क्रिश 4 में ऋतिक सुपर हीरो और सुपर विलेन दोनों की भूमिका में दिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सबको गुमराह करने के लिए फिल्म में विलेन हीरो का भेष ग्रहण कर लेता होगा और इसीलिए भी वह ऋतिक जैसा दिखने लगता होगा, ठीक वैसे ही जैसा कि RA1 में जीवन के किरदार ने शाहरुख खान का भेष धारण कर लिया था। तो अब वही हिंदी सिनेमा को एलियन का आइडिया और एलियन को एक चेहरा देने वाला सबसे मशहूर किरदार और बच्चों का फेवरेट किरदार जादू की भी इस फिल्म में वापसी होने की बातें चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म में जादू को एक नेगेटिव किरदार में दिखाया जाएगा और जब जादू प्लैनेट छोड़ के अपने ग्रह वापस जा रहा होता है तो वो एक वायरस छोड़ जाता है जिसे इस्तेमाल कर विलेन काफी ताकतवर बन जाता है और उसे हरा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वो ये वायरस जानबूझकर छोड़ के जाता है क्योंकि जो लोग जादू को पकड़ना चाहते हैं वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या जादू को एक विलेन के रूप में देखना होगा लोगों के लिए मजेदार? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम जल्दी कर दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इंडिया की बेस्ट सुपर हीरो जीनर की फ्रेंचाइजी क्रिश के बारे में। डायरेक्टर राकेश रोशन जल्द ही क्रिश फ्रेंचाइजी की फोर्थ एडिशन पर काम शुरू करने वाले हैं और नो डाउट मूवी एक बिग प्रोजेक्ट होने वाली है क्योंकि क्रिश 3 मूवी ने इस फ्रेंचाइजी को एक नई हाइट पर पहुंचा दिया है और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं इस मूवी फ्रेंचाइजी से। क्रिश फ्रेंचाइजी की थर्ड एडिशन यानी कि क्रिश 3 में हमने क्रिश के दो वर्जन देखे थे, एक जो काल के साथ बैटल में हार गया था, यहाँ तक कि काल ने उसे ऑलमोस्ट मार ही डाला था, और दूसरा जिससे रोहित ने दोबारा जिंदगी दी थी अपनी जान के बदले। और इस नए क्रिश ने जिसे एक और मौका मिला अपने डैड की तरफ से, उसने काल को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो क्रिश काल के हाथों मारा गया था, काल के मुकाबले उसमें बहुत कम पावर्स थी, और वहीं दूसरी तरफ काल के पास ना सिर्फ टेलीकाइनेटिक्स पावर थी बल्कि रोहित मेहरा के बोन मैरो मिलने के बाद काल के पास हर शक्ति का एक्सेस हो गया था। वो सुपर स्ट्रॉन्ग भी था, सुपर फास्ट भी था और यहाँ तक कि उड़ भी सकता था, जिस पावर्स में क्रिश काल से पीछे था, जिस वजह से अपने से शक्तिशाली विलन काल से क्रिश नहीं जीत पाया और काल ने काफी आसानी से क्रिश को मार डाला। रोहित मेहरा ने वहाँ बिखरे हुए टुकड़ों को एक पैटर्न में लगाकर सनलाइट की रिफ्लेक्शन से उसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने एक डेड प्लांट को जिंदा करने के लिए किया था। रोहित ने खुद को एक ब्रेन फिल्टर की तरह यूज किया और सारी सनलाइट को क्रिश में ट्रांसफर किया। इसी के साथ रोहित की पावर्स भी कृष्णा में आ गई। जिस वक्त काल सभी को झुकने के लिए कहता है उसी वक्त पीछे से क्रिश पहुंच जाता है और ऑडियंस को पहली बार फ्लाइंग क्रिश देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब काल बहुत सारे वेपन स्टोन्स क्रिश की तरफ फेंकता है तो क्रिश उसको सिर्फ अपने माइंड से ही रोक लेता है, यानी कि क्रिश के पास भी टेलीकाइनेटिक्स पावर आ चुकी थी। यहाँ तक कि क्रिश ने एक पूरी बिल्डिंग को अपने हाथों से उठाया जबकि मूवी के बिगिनिंग में वो एक टैंकर उठाने में भी काफी जिनकी मदद राकेश रोशन ने खुद स्क्रिप्ट राइटिंग में ली है। इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम उस फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो जॉनरा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन की फिल्म फ्रेंचाइज क्रिश। आज अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि उनका फेवरेट हीरो कौन है तो वो किसी फेमस हॉलीवुड हीरो जैसे कि आयरन मैन, सुपरमैन या बैटमैन का नाम देंगे, बट वहीं अगर उन्हें कहा जाए कि किसी इंडियन हीरो का नाम देना है तो सबकी जुबान पे आज भी सिर्फ क्रिश का नाम आता है। तो राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज की 3 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं जो कि कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 है। अब क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पे राकेश रोशन ने काम करना शुरू कर दिया है और वो उसकी डिटेलिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और इसमें उनके हेल्प कर रहे हैं तो बहुत ही प्यारे और उनके दिल के बहुत ही करीब हेल्पर्स जो कि हैं रिहान और रिदान। जी हाँ, ये है राकेश रोशन के ग्रैंडसन्स। रिहान और रिदान का रोल होने वाला है क्रिश 4 में विलेन और हीरो को डिटेलिंग देने में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं क्रिश की पुरानी फिल्मों में ऑलरेडी क्रिश के कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया गया है, तो वहीं ऑडियंस की उम्मीद से काफी बढ़ी हुई है
और अगर विलन की बात करें तो क्रिश 4 में एक नया विलन इंट्रोड्यूस होना है और वहीं क्रिश के बेटे को भी एक नए सुपर हीरो के अवतार में देखा जाएगा। यही काम आने वाले हैं रिहान और रिदान। उनके यंग माइंड्स में एक सुपर विलन को और एक सुपर हीरो को फॉर्म करने की अमेजिंग थ्योरीज हैं जो कि राकेश रोशन के विजन के साथ मिलकर कमाल कर सकती हैं। अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं राकेश के द्वारा उठाया हुआ बहुत ही अच्छा कदम है। जैसा कि हम जानते ही हैं, छोटे बच्चों के दिमाग में सुपर हीरो जॉनरा को लेके काफी अमेजिंग आइडियाज होते हैं। उनकी इमेजिनेशन कुछ भी सोच सकती है और यही आइडियाज अगर राकेश को पसंद आए तो वो उसे एग्जीक्यूशन के लिए भी भेज सकते हैं। तो राकेश रोशन के स्क्रिप्ट राइटिंग आइडियाज को लेके क्या है आपके विचार, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल बॉलीग्रेट स्टूडियोज को। दो पर आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेट स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे इंडियन सुपर हीरो की धमाकेदार वापसी के बारे में। आप सभी जानते हैं इंडियन सुपर हीरो कौन है? जी हाँ, ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश क्रिश फ्रेंचाइजी का फोर्थ सीक्वल जल्द ही रिलीज होने वाला है। राकेश रोशन ने फिल्म के रिलीज को कंफर्म किया है और तब से ही ये खबर मार्केट में आग की तरह फैल गई है। हर जगह बस यही सनसनी मची हुई है कि इस बार कहानी किस सुपर विलन पर बेस्ड होगी। ट्विटर और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की बस एक ही गुजारिश है कि जादू को वापस लाया जाए। दूसरे ग्रह से आए एलियन जिसका नाम रोहित मेहरा ने जादू रखा था, उसको पहले ही पार्ट में उसके ग्रह वापस भेज दिया गया था और उसी के बाद से हर सीक्वल के रिलीज में फैंस जादू को वापस लाने की डिमांड करते आए हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया के सुपर हिट क्रिश फ्रेंचाइजी में काम कर रहे जादू का रोल आखिर किसने निभाया था? जादू का रोल किया था इंद्रवदन पुरोहित ने। इंद्रा वदन पहले भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में और टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में 250 मूवी करी थी। जादू ने अपनी कमाल एक्टिंग और क्यूटनेस से फैंस का दिल जीत लिया था, मगर बाकी दोनों ही सीक्वेंस में जादू की वापसी ना होने से फैंस मायूस थे। दरअसल साल 2014 में ही इंद्रवर्धन पुरोहित की डेथ हो गई थी। उनके बाद इस रोल में परफेक्ट कौन फिट बैठेगा इस पर काफी सोच विचार चल रहा है, इसलिए भी फिल्म में देरी हो रही है। कोई मिल गया जादू की प्रेजेंस की वजह से ही इंडिया की फर्स्ट पॉपुलर साइंस फिक्शन फिल्म बन पाई थी। अब इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल सुपर हीरो हॉलीवुड जैसे साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म बनाने के लिए इस बार VFX और विजुअल इफेक्ट्स की पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के VFX स्टूडियो की टीम को दी गई है। अब इस मूवी में बड़े से लेकर रोशन फैमिली के बच्चे भी पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं, यहाँ मतलब है उनके ग्रैंडसन से। ऐसे में फिल्म में जादू की वापसी और पूरी फिल्म देखने में यकीनन काफी मजा आने वाला है। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग कैसी होगी जादू की? एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और स्वागत करती हूँ आपको बॉलीग्रेट स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों, साल 2000 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म कहोना प्यार है से ऋतिक रोशन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पहली ही फिल्म से ऋतिक ने दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं हैंडसम हंक ऋतिक रोशन को ये फिल्म कैसे मिली थी? मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने इसका खुलासा किया है कि उनके मुताबिक उनकी फोटोग्राफी की वजह से ही ऋतिक को फिल्म में रोल मिला था। बता दें, डब्बू रत्नानी ने कहा कि मैंने फिल्म कहोना प्यार है से पहले ऋतिक रोशन का पहला पोर्टफोलियो शूट किया था। ऋतिक ने मुझे बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो की वजह से ही उन्हें कहोना प्यार है जैसी फिल्म में काम मिला था। उनके पिता राकेश रोशन ने मुझे फोन कर कहा कि आपकी फोटोज देखी मैंने और मैंने अपने बेटे के साथ फिल्म करने का फैसला किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा लोगों के साथ ईमानदार रहो। बात मजेदार और काफी सच है। डब्बू ने आगे कहा कि तब से लेकर अब तक मेरा ऋतिक या बाकी सभी एक्टर्स जो कि फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मुझे पता चल जाता है अगर कोई फेक होता है। अपने फोटोशूट को लेकर डब्बू रत्नानी ने कहा कि आपको सभी के साथ एक वाइब क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन ये सभी इस पर निर्भर करता है कि आप शूट के वक्त कैसा बिहेव करते हो। मेरे लिए वो मेरे दोस्त हैं। मैं इस मेंटल स्पेस के साथ नहीं चाहता हूँ कि मैं स्टार स्ट्रक हूँ। डब्बू रत्नानी हर साल बॉलीवुड सेलेब्स के साथ फोटोशूट का एक कैलेंडर निकालते हैं। डब्बू के कैलेंडर की काफी चर्चा होती है। उनके फोटोशूट में हर स्टार का एक अलग ही अंदाज निखर कर हमारे सामने आता है और यहाँ तक कि कई एक्ट्रेसेस के ग्लैमरस फोटोशूट भी हमारे सामने डब्बू की वजह से ही आते हैं। इनमें टॉपलेस से लेकर शर्टलेस तस्वीरें भी शामिल होती हैं। डब्बू के फोटोशूट में कई स्टार्स अपनी स्क्रीन इमेज के उलट नजर आते हैं। डब्बू का इस साल का सेलिब्रिटी फोटोशूट रिलीज हो गया है जिसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है, जो कुछ ही टाइम में हमारे सामने आने वाला है। इस शूट में अब की बार कुछ अलग किया गया है जिसमें क्रिश 4 को प्रमोट करने की बात सामने आ रही है। मतलब है कि इस फोटोशूट में ऋतिक ने अपना क्रिश 4 के किरदार में शूट किया है।
आपको बता दें कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन डबल रोल निभाते दिखेंगे, मतलब इस बार हीरो और विलन दोनों का किरदार निभाते दिखेंगे। वो खुद नई चुनौतियों का सामना करना चाहते थे और क्रिश 4 में उन्हें एक काम करने का मौका मिल गया। वैसे आपको बता दें कि क्रिश और क्रिश 3 में भी ऋतिक रोशन के डबल रोल निभाए थे। उन्होंने पिछली दोनों फिल्मों में बाप बेटे का किरदार निभाया था, लेकिन क्रिश 4 में वो खुद ही हीरो और खुद ही विलन के रोल में दिखाई देंगे। ऐसे में इस फिल्म का इंतजार करना तो बनता ही है। वैसे आप इस खबर को जानकर कितने उत्साहित हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनी। हम सब ने कृष्ण, मैं भी कृष्ण, कृष्ण ने कहा था। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। क्या क्रिश 4 में हो सकती है नए सितारों की एंट्री? क्या फिल्म में देखने को मिल सकते हैं टाइम लैप्सेस? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियो से। ऋतिक रोशन स्टारर सुपर हीरो सीरीज क्रिश की चौथी फिल्म आने वाली है और इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट को सोशल मीडिया पर काफी अच्छे से देखा जा सकता है। जहां एक ओर ब्लैक केप में सजे सुपर हीरो को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से अपने फेवरेट जादू को देखने की उम्मीद में उन्हें अपने सीट की एज पर ला बैठे हैं। लेकिन क्या इस फिल्म से केवल जादू लौटने वाला है या फिर कोई और भी पुराना दोस्त? जी हाँ, कृष्णा की मदद करने के लिए रीअपेयर होने वाला है कोई? जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म में रोहित के ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन ने दुनिया को हैरान किया है तो वो है फिल्म में देखी क्यूटी हंसिका मोतवानी में आए बदलाव, जिन्होंने कुछ ही सालों में चाइल्ड एक्टर से मेन लीड एक्टर के रोल तक की छलांग लगा ली और कई सुपरहिट फिल्मों में भी नजर आई। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि फिल्म में रोहित की समझदार चाइल्ड फ्रेंड के रूप में दिखी टीना 5 साल बाद ही हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में लीडिंग लेडी के रोल में दिखी थी। जी हाँ दोस्तों, उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरी इंडिया ऑडियंस को हैरान करके रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया लीडिंग एक्टर के तौर में। अब 18 साल बाद हो सकता है क्रिश 4 में हंसिका दोबारा। जी हाँ, हालांकि फिल्म में वो अपने चाइल्ड रोल को कंटिन्यू नहीं करेंगी, लेकिन उनका रोल जरूर अहम होने वाला है। लेकिन क्या वो फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की जगह लेंगी? इन खबरों पर कोई भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल मेकर्स जानते हैं कि इस समय सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन्स पर स्टोरीज, कनेक्शन स्टोरीज भी किसी भी फिल्म की सक्सेस पर गहरा असर डालती है और उन्हें न्यूज में बनाए रखने की मदद भी करती है। इसलिए इन्हीं स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए राकेश रोशन और से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम जुड़ने के बाद कई फैंस ने इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के होने की इच्छा को भी जताया था। ऐसे में हमें फिर एक बार नवाजुद्दीन और मनोज सर की जोड़ी देखने को मिलती और शायद बिना ट्रेलर्स देखे ही फिल्म सुपरहिट हो जाती। तो यहाँ अभी फैंस उम्मीदें लगा ही रहे थे, तब तक ही खबरें आ गई कि मनोज सर ने ऋतिक रोशन की मोस्ट लाइकली अपकमिंग फिल्म द नाइट मैनेजर में हुग लॉरी के रोल को करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि द नाइट मैनेजर इदरिल अल्बा की एक प्रेज़वर्दी फिल्म है जिसके हिंदी अडेप्टेशन की बातें चल रही हैं और फिल्म में हुग लॉरी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज सर ने इस रोल को करने से ना कर दिया है। तो ऐसे में क्रिश 4 में उनके साथ काम करने की तो उम्मीदें भी छोड़ ही देनी चाहिए। हालांकि आखिरकार कई स्पेकुलेशंस के बाद मनोज सर ने इस ऑफर को रिजेक्ट करने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से तो कोई तभी निकल सकता है जब वो उसमें गया हो, मेरे पास ये फिल्म कभी आई ही नहीं तो मैं इसे रिजेक्ट कैसे करूंगा। आजकल लोग कहीं सुनी बातों को